छोटी चीज है कि नुकसान हो गया अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल भाई का मेरे पास फोन आया अब्दुल भाई जो कि मॉडर्न रेनवेयर के फाउंडर हैं और उनसे आप मिले भी थे थोड़े दिन पहले उनका फोन आया सर एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है मैंने कहा अच्छी क्या है अच्छी है सर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है समय नहीं है बिल्कुल इतना काम है कि समय नहीं है एक मिनट का समय नहीं है मैंने कहा बहुत ही बढ़िया है मैंने कहा बुरी खबर क्या है बोले बुरी खबर सर एक पिकअप लिया था एक गाड़ी ली थी उसका एक्सीडेंट हो गया एक लाख रुपए का नुकसान हो गया मैंने कहा अब्दुल भाई से हाउ वंडरफुल इन दिस मोमेंट कैन यू से हाउ वंडरफुलरफुल बोल दिया तो मतलब में बदल गया और प्रॉफिट क्यों क्योंकि उससे भी बुरा हो सकता था दस लाख का नुकसान हो सकता था पांच लाख का नुकसान हो सकता था कोई और चीजें हो सकती थी लेकिन दोस्तों छोटी चीजें जिंदगी को ज्यादा मीनिंगफुल बनाती है दोस्तों रिमाइंडर आपको दे रहा हूं इस कहानी के रूप में ये छोटी सी घटना जो अभी घटी उसके रूप में छोटी कि छोटी कितनी चीजें हमारे साथ दिन भर में होती है लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग है जो चेंज होने का नाम ही नहीं लेती है किसी को अगर कुछ बोलने का आदत पड़ गई है तो वो बड़ी मुश्किल से चेंज होती है एवरी वन इज वायर्ड एवरी वन इज वायर्ड हमारा ब्रेन ना डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग की तरफ बार बार जाता है और ये डिफॉल्ट से हमें बहुत ही अलग होना होगा डिफॉल्ट okay? जब भी हम कुछ भी करते हैं तुरंत हमारा डिफॉल्ट रिएक्शन आता है डिफॉल्ट रिएक्शन क्यों आता है क्योंकि हमने 30 साल 40 साल 50 साल 55 साल उसको प्रैक्टिस किया है अब हम में से हर आदमी सोचता है एक सेशन में आ जाऊं और चेंज हो जाए सब कुछ वायरिंग होगा ही नहीं पॉसिबल ही नहीं है एक बार में वायरिंग कैसे चेंज होगी यू विल हैव टू रिपीट इट रिपीट इट रिपीट इट रिपीट इट कहते हैं दोस्तों रिपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द लर्निंग मतलब जब आप रिपीट करोगे तो जो जो सीखा है रिपीटेशन उसकी मां है जितना सीखा है आपने उसको रिपीट करते जाए 28 दिन का प्रोग्राम करने की मुझे जरूरत नहीं है ये सारी लर्निंग जो 28 दिन में आपको दे रहा हूं ना वो सारी लर्निंग दो दिन में दी जा सकती है और पहले देने की कोशिश करता था लेकिन द ब्यूटी इज मैंने ये सीखा जिंदगी इंसान की तब ज्यादा अच्छे से बदलती है जब वो लंबे टाइम तक छोटी छोटी चीजें करता है दोस्तों मैंने अट्ठाईस दिन क्यों चुना उसके पीछे का एक लॉजिक बताता हूं मेरे अंदर पब्लिक स्पीकर नहीं था या था तो मेरे को पता नहीं था लेकिन मैंने एक प्रोग्राम किया पब्लिक स्पीकिंग का मिस्टर मनीष गुप्ता का जो कि बहुत अच्छे ट्रेनर है पूना बेस्ड है और मेरे बहुत पहले गुरु रहे इस फील्ड में आई वुड से उनका जो पहला प्रोग्राम था पब्लिक स्पीकिंग का वो डेढ़ महीने का था और डेढ़ महीने में हर हफ्ते दो क्लास होती थी और हर हफ्ते एक छोटा स्पीच कॉम्पिटिशन होता था और उसके कारण वो डेढ़ महीने चला प्रोग्राम अब डेढ़ महीना चला तो मैंने प्रैक्टिस कितने दिन की डेढ़ महीना मैंने कितनी बार स्पीचेस लिखी डेढ़ महीने में बारह बार बारह दिन सेशन था तो बारह स्पीचेस मैंने डिलीवर की और मेरी मर्जी से भी जो तो जब लंबा प्रोग्राम होता है और छोटे छोटे कैप्सूल्स में होता है दो 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 घंटे डेढ़ डेढ़ घंटा तो ज्यादा बदलाव लाता है आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में जितना बदलाव महसूस कर रहे हैं उतना आपने कभी किसी और प्रोग्राम में नहीं किया होगा गारंटी देता हूं एंड द रीजन इज ओनली वन कि मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच रोज आपको डेढ़ डेढ़ घंटे के कैप्सूल मिल रहे हैं और अट्ठाइस दिन तक मिल रहे हैं और बाकी के प्रोग्राम्स आप एक दिन में पूरा कर लेते हो या किसी का सिर्फ एक डेढ़ घंटा सुन लिया, दो घंटा हो जाते हो बहुत कुछ बदलने की इच्छा होती है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती है जो हमें रोक देती है तो मेरे साथ बोलिए रिपीट करूंगा तो जीतूंगा रिपीट करूंगा तो परमानेंट हो जाएगा रिपीटेशन से ही आदमी का सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा शन मैं नहीं कह रहा हूं सिस्टर शिवानी भी यही कहती है सिस्टर शिवानी भी कहती है जो जो संस्कार आप रिपीट करेंगे वो आपके माइंड में रिकॉर्ड होते जाएंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंट होते जाएंगे धीरे धीरे ये और ये ही संस्कार शायद आप सेकेंड बर्थ में थर्ड बर्थ में फोर्थ बर्थ में और कई लोग कहते हैं यार अगला बर्थ होता है या नहीं होता मुझे क्या मालूम ऑब्वियसली हमें नहीं मालूम लेकिन एक चीज का लॉजिक क्या हमारे पास है कि हम में से कई लोग बहुत ज्यादा सुखी क्यों हैं बहुत ज्यादा दुखी क्यों हैं हम में से कई लोग बहुत गरीब घर में क्यों पैदा हुए कई क्य, कई लोग अंबानी के घर में क्यों पैदा हुए कई लोग क्यों यू नो बिल गेट्स के घर में पैदा हुए और कई लोग क्यों बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन में पैदा हुए क्या रीजन हो सकता है मतलब भगवान की किस चीज से क्या दुश्मनी होगी तो कोई तो ऐसा नियम होगा जैसे कि अगर कोई कंपनी में अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसको कंपनी ऐसे डिपार्टमेंट में ऐसी जगह भेज देती है जहां पे कोई ज्यादा परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है या उसको ऐसे काम में डाल देती है जो कि बिल्कुल ही बेकार काम है कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको कहीं और डाल दिया हमने 10 साल 15 साल पढ़ाई की वो संस्कार जो हमने पढ़ाई के जनरेट किए उसके बेस पे कोई हमें की नौकरी देता है किसी को पचास हजार पचास लाख मिल जाता है तो जब हमारी जिंदगी के इसी जन्म के फॉरगेट अबाउट अगले पुराने जन्म के संस्कार अब पुराने जन्म में मैं जिस घर में पैदा होना था हो गया लेकिन इस जन्म में मैंने पहले दिन से लेकर आज तक जो संस्कार जनरेट किए क्या उनके बेस पे अगले 20 साल 30 साल 40 साल की लाइफ मेरी चल सकेगी 100 परसेंट मतलब जो अभी संस्कार क्रिएट किए हैं उन्हीं के बेस में मैं नई चॉइसेस बनाऊंगा उन्हीं के बेस पे मैं नई पार्टनर्स का चुनाव करूंगा उन्हीं के बेस पे मैं नई विद्या सीखूंगा उन्हीं के बेस पे कुछ चीजें मुझे अट्रैक्ट करेगी कुछ नहीं करेगी वो सारे संस्कार हैं और हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है दोस्तों नए संस्कार जनरेट करने एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन जान के जानबूझ के अच्छी आदतें बनानी पड़ती है जानबूझ के सोच समझ के होशो हवास में एफर्ट लेके मेहनत करके नई डेस्टिनी बनानी पड़ती है अनजाने में तो जैसी बननी है बन गई अभी मुझे नहीं आता मूर्ति बनाना मेरे को किसी ने पत्थर दिया बोला हो हथोड़ा छीनी लो और मारना शुरू करो मूर्ति डाल दो बनेगी जैसी बनेगी क्योंकि मैंने जानबूझ के वो कला सीखी नहीं है लेकिन जिसने जानबूझ के मूर्ति बनाने की कला सीखी है वो बढ़िया मूर्ति बनाएगा और मेरे जैसा अनाड़ी जो जानबूझ के नहीं सीख पाया वो जो बनाएगा वो बनाएगा जानबूझ के खाना अच्छा बनाना सीखना पड़ता है उसके लिए किसी किसी महिला को पांच पांच साल की दस दस साल पंद्रह पंद्रह साल की मेहनत लग जाती है जानबूझ के अपनी ब्रांड क्रिएट होती है जानबूझ के इनकम सोर्सेस क्रिएट होते हैं जानबूझ के थोड़ा एफर्ट लेके लेकिन मैं कई लोगों को बोलता हूं ये सब चीजें करो नहीं होता है बड़ा मुश्किल है प्रैक्टिकल नहीं है अरे यार भाई क्या प्रैक्टिकल है फिर वट इज प्रैक्टिकल गिविंग अप ये प्रैक्टिकल है छोटी सोच ये प्रैक्टिकल है नेगेटिविटी? ये प्रैक्टिकल है क्या है प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें इम प्रैक्टिकल है और आप बहुत सारी इम प्रैक्टिकल चीजें ऑलरेडी कर रहे हो तो क्यों ना ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वो एक बार करके देख लो छह महीने साल भर दो साल और रिजल्ट आया तो जिंदगी भर हुट दो एक बार सारी चीजें सीख लेते हैं ना उसके बाद सारी चीजें उसी पर्टिकुलर तरीके से करने की जरूरत नहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है जैसे कार चलाना आपको पता है ना चार लेवल है सीखने के और ये चारों लेवल आप ध्यान से समझिएगा चार लेवल कौन कौन से हैं उप्स और चार लेवल कौन कौन से हैं सबसे पहला नित्य शांति ने भी बताया था लेकिन उन्होंने अलग तरह से बताया था कि आप अंधेरे से उजाले की ओर जा रहे हो कुछ लोग अंधेरे से अंधेरे की ओर जा रहे हैं कुछ लोग उजाले से अंधेरे की ओर जा रहे हैं और कुछ लोग अंधेरे से अंधेरे की ओर जा रहे हैं सॉरी उजाले से उजाले की ओर जा रहे हैं तो अगर आप अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हो यू आर गुड मतलब आप अच्छे बुरे हो या एवरेज हो आप बेटर बनना चाहते हो वेरी गुड कुछ लोग उजाले से उजाले की ओर जा रहे हैं वेरी वेरी गुड लेकिन कुछ लोग उजाले से अंधेरे की तरफ जा रहे हैं आप सभी लोग ब्राइट हो अमेजिंग हो एक्स्ट्रॉडनरी हो जब पैदा हुए भगवान की तरह है भगवान का रूप होते हैं ना बच्चे तो पैदा हुए हम सब भगवान का रूप थे हमारे अंदर ना डर था ना फियर था ना एंग्जाइटी थी लेकिन हमने सब सीख लिया मतलब हम उजाले से अंधेरे की तरफ जाने लग गए और यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो गई और चौथी चीज अंधेरे से अंधेरे की तरफ जो पहले से ही बुरा और बुराई में जा रहा है पहले से ये एवरेज है और एवरेज बनता जा रहा है तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है तो सीखने के प्रोसेस में ये कहते हैं ना सबसे पहले अनकॉन्शियस अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियस क्या होती है जैसे कई चीजें मैं जानता हूं मेरे को मान ली कार मुझे पता ही नहीं है कि मेरे को कार चलाना होता है आता, आता नहीं है तो इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस सबसे पहली मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में आने से पहले आप में से कई लोगों को पता ही नहीं था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है और उसको इतना ज्यादा किया जा सकता है पावर उसको प्रोग्राम करके इतनी बड़ी सक्सेस ली जा सकती है आज ही हमें एक टेस्टिमोनियल आया कल मैंने बताया था डिवाइन रीच नाव और आज एक टेस्टिमोनियल आ गया उसमें सर मेरी खोई हुई चीजें मिल गई सौरभ यू हैव दैट हैंडी दैटी टेस्टिमोनियल यू कैन शो टू पीपल आपको डिवाइन रीच नाउ जानने से पहले पता ही नहीं था कि सबकॉन्शियस माइंड कुछ होता है या इस तरह के यू uh, नो you know, ये क्या कहते हैं इस तरह के पावरफुल टूल्स से आप अपनी जिंदगी को इतना बेहतर बना सकते हो हमारे पास ऐसे रोज के रोज के टेस्टिमोनियल आते हैं दोस्तों एक नहीं कई आते हैं कई आते हैं और ऐसे ऐसे आते हैं कि कभी कभी तो हम हैरान हो जाते हैं ये कैसे पॉसिबल हो गया किसी ने आज हमें बोला कि सर मुझे बहुत तकलीफ थी लेकिन मैंने अपने आप को सेल्फ फीलिंग दी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया विद इन फ्यू मिनट्स ये देखिए बिल्कुल लिखा हुआ टेस्टिमोनियल आया और आग, पूरा तो मैं भी नहीं पढ़ पाया लेकिन ये टेस्टिमोनियल आया तीन पेज का है लिखा हुआ डिवाइन रीच ना तो इसको बोलते हैं इनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस इनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस का मतलब है कोई आदमी जानता ही नहीं है कि वो क्या नहीं जानता आप में से कई लोगों को नहीं पता कि आप क्या नहीं जानते जैसे पब्लिक स्पीकिंग 2007 में मैंने सीखा उसके पहले मुझे पता ही नहीं था कि पब्लिक स्पीकिंग नाम की कोई चीज मैं डेवलप कर सकता हूं अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट था मैं अनकॉन्शियस था मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या नहीं पता है और उस चीज में मैं इनकॉम्पिटेंट था अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट लेकिन धीरे धीरे मुझे पता लगा मैं पहली बार पब्लिक स्पीकिंग के प्रोग्राम में गया और मैंने स्पीकर को देखा उन्होंने मेरे अंदर जलजला पैदा कर दिया दो घंटे की टॉक के अंदर मैंने कहा ओ माय गॉड आज आ रहे हैं हमारे साथ सोनू शर्मा सर है ना सोनू शर्मा सर मिलेंगे आपसे आठ पच्चीस के ऊपर सो so, दैट so आप में से हर एक आदमी को एक और पावरफुल स्पीकर इस प्लेटफॉर्म पे मिल सके एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट क्योंकि आपको भी पता है एक सवा करोड़ से ज्यादा फॉलोवर हर एक प्लेटफॉर्म पे हजारों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं और आज की डेट में इंडिया के बहुत सारे लोग उनसे सीख रहे हैं ओके okay. सो so, पहले मुझे था इन फिर मैंने जब वो दो घंटे का स्पीकर आया मेरी जिंदगी में उनसे सुना तो मुझे पता लगा कि कॉन्शियसली कॉन्स अरे यार कई बार स्पेलिंग में ना लिखते लिखते बोलते बोलते गड़बड़ हो जाती है और राइट या कॉन्शियस कॉन्शियस इनकॉम्प कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस 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 अब मैं मुझे पता था कि मुझे क्या नहीं पता है अब मुझे पता चला उन स्पीकर से मिलने के मनीष गुप्ता सर से मिलने के बाद मुझे पता चला कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं जानता और पब्लिक स्पीकिंग बहुत जबरदस्त है अब कितने लोगों को लगता है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग में चैंपियन बनना चाहिए राइट राइट right? right? तो मुझे नहीं पता था कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में पता नहीं है सो आई जस्ट गोट टू अवेयर बिकम अवेयर ये अवेयरनेस का स्टेज है कि मुझे ये ये चीजें जान के मैं मुझे तीन साल पहले पता नहीं था कि मुझे क्या नहीं पता है अबाउट इंटरनेट लेकिन तीन साल पहले जब मैंने इंटरनेट को जान लिया और मैंने देखा किसी को इंटरनेट से पैसा कमाते हुए अब मैं उसके बारे में कॉन्शियस हो गया उसके बारे में मैं कॉन्शियस हो गया लेकिन मैं इनकॉम्पिटेंट था मुझे नहीं पता था कि मुझे नहीं आता वो थर्ड स्टेज होती है अब आपको पता है कॉन्शियसली कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट कॉन्शियस कॉम्पिटेंट का मतलब होता है अब मैंने कॉन्शियस एफर्ट लेना शुरू किया इंटरनेट से मार्केटिंग या इंटरनेट से वेबिनार करने को सीखने का अब मैंने कॉन्शियसली 2007 में मैंने कॉन्शियसली सीखना शुरू किया पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है 2011 में मैंने कॉन्शियसली सीखना शुरू किया कि सेल्स स्किल क्या होती है ओके okay? तो ऐसे ही जैसे आप पहली बार गांव में रह रहे हो आप छोटे बच्चे हो आपको पता भी नहीं है अनकॉन्शियसली आप इनकॉम्पिटेंट हो कार चलाने के आपको भी नहीं पता कि आपको कार चलाना नहीं आता और आपने भी कभी उस चीज पे ध्यान नहीं दिया फिर किसी को कार चलाते देखा आपको लगा यार मुझे भी आनी चाहिए मेरा दोस्त कार चला रहा है आप कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट बन गए आपको जानबूझ के पता लगा कि मुझे कार चलाना नहीं आता उसके बाद धीरे धीरे आपने सीखा ड्राइविंग सीट पर बैठे एक्सीटर लगाना दस पंद्रह दिन बीस दिन पच्चीस दिन सीखा अब आप कार चलाते समय कॉन्शियसली कार चला रहे हो और कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट बन गए और चौथा है अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट ये चौथी स्टेज है पहली स्टेज दूसरी स्टेज तीसरी स्टेज एंड चौथी स्टेज अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट इसका मतलब है अब मैं कॉम्पिटेंट हूं कार चलाने के और कार चलाने के पहले मुझे बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है सीट पर बैठा स्टार्ट किया कब गियर पलट जाएगा कब क्लच दब जाएगा यह स्टेज कार चलाना में तो आ जाती है बीस पच्चीस दिनों में पब्लिक स्पीकिंग सीखने में आ जाती है शायद दो चार महीनों में छह महीनों में सेल सीखने में आ जाती है शायद दो तीन चार महीनों के अंदर और धीरे धीरे फिर साल दो साल ओके कई बार एक आदमी एक साल में यहां पहुंच जाता है इंटरनेट से पैसा कमाने में एक दो साल में आ जाती है शेयर मार्केट से पैसा कमाने में छह महीने में आ जाती है तो कुछ कुछ लोग यू you नो know, कुछ कुछ लोग इस जगह पे पहुंच जाते हैं इज एवरीथिंग ऑल राइट टीम ओके गुड इज इट लाइव ऑन यूट्यूब एवरीबॉडी इज देयर बिकॉज आई जस्ट गोड ए मैसेज दैट दिस मीटिंग इज लाइव नाव ओके एनी इट्स ओके सो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट Unconscious कॉम्पिटेंट ये चौथा लेवल है तो मैं आपको ये टॉपिक बताने के पीछे रीजन क्या है आप ये सब कॉन्शियस माइंड के बारे में कई सारी चीजें सीख रहे हो आप सीख रहे हो विजुअलाइजेशन करना आप सीख रहे हो अपना गोल लिखना आप सीख रहे हो कि भैया दुआएं देना आप सीख रहे हो हाउ वंडरफुल आप सीख रहे हो नेगेटिव शब्द नहीं बोलना है ओके आप आप सीख रहे हो डिवाइन रीच ना हो डिवाइन काउंट ना ये सारी चीजें ये शुरू में आप करोगे आपको जब तक इस सेशन में नहीं आया आप में से कई लोगों को पता ही नहीं थी आप इस स्टेज पे थे अब आप इस स्टेज पे आ गए हो सेकंड वाली पे अब जब आप इनको दस बीस पच्चीस पचास सौ बार प्रैक्टिस करोगे तो आप थर्ड स्टेज पे आ जाओगे और जब थर्ड स्टेज पे आ जाओगे उसके बाद आप मेरे वाले स्टेज पे आओगे जहां पे अनकॉन्शियसली राइट right चीज आपके पास आ जाएगी लॉस हो गया तुरंत आप कहोगे हाउ वंडरफुल यू विल मूव ऑन आपको टेंशन आ गया थोड़ी देर तो आप करोगे और उसके बाद कहोगे लेट हिम सी जिसकी प्रॉब्लम जिसकी टेंशन उसी को देखने दो लोड मत लो ये कल सीखा था हमने राइट right? कहीं पे कोई चीज खो गई तुरंत निकलेगा डिवाइन रीच कहीं पे ट्रैफिक में फंस गए तुरंत निकलेगा डिवाइन शॉर्टकट ना ओके okay? एंड धीरे 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 आप इन चीजों को जब चाहोगे ये तर्कश में तीर है आपके यू you नो know, अर्जुन जब युद्ध में जाता था तो उसको पता होता था कि यार इस आदमी को मारने के लिए ये वाला अस्त्र यूज करना है इसके लिए पशुपतास्त्र पशु पतास्त्र हाँ ये यूज करना है किसी के लिए ब्रह्मास्त्र यूज करना है किसी के लिए देवास्त्र यूज करना है किसके लिए कौन सा शस्त्र या कौन सा अस्त्र यूज करना है ये उसको पता उसको पता पता था था क्यों क्योंकि वो इतनी प्रैक्टिस की कि आप गाड़ी चलाते हो आपको पता है यहां पे फर्स्ट गियर डालना है सेकंड डालना है फिफ्थ डालना है या यहां पे न्यूट्रल करनी है गाड़ी यू नो इट यहां हैंड ब्रेक लगाना है यहाँ क्लच दबाना है यहां एक्सीटर एकदम से तेजी से उठाना है ये अनकॉन्शियसली इस स्टेज पे पहुंचना है दोस्तों और स्टेज पे पहुंचने के लिए आप में से हर एक आदमी को बहुत प्रैक्टिस करनी होगी आई यू रेडी फॉर प्रैक्टिस तो दोस्तों हाइएस्ट रेकमेंडेड आप सभी को तीन जून से कमांडो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है नाइनटी डेज का और वो उसमें एडमिशन ऐसे नहीं है पहले और दूसरे जून को फर्स्ट एंड सेकेंड जून को सुबह पांच बजे उठ के दो दिन उसका ट्रायल लेना है आपको दो दिन आप में से हर आदमी को उसका ओरिएंटेशन करना है सुबह पांच से साढ़े छह और तब जाके आप में से हर आदमी को अगर वो ओरिएंटेशन में आपको लगा कि आपको आना चाहिए तो तीन जून से आप उसमें आ सकते हो सो थैंक यू सो मच दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक तो मैं चाहूंगा कि सभी स्पॉन्सर्स को धन्यवाद दे दूं आ, मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक व्यक्ति धन्यवाद दे दे ग्राफी जिन्होंने की इस इवेंट को स्पॉन्सर किया है अगर आप में से कोई भी ट्रेनर है स्पीकर है अपने कोर्सेज लॉन्च करता है और आप चाहते हैं कि आपकी ऐप आप हो आपकी वेब बेस्ड ऐप हो जिस पर लोग आ सके और आपको हेड नहीं लेनी कि बैक एंड कौन मैनेज करेगा तो ग्राफी की ग्राफी बाय एन अकेडमी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा ए इंडिया जो कि रियल एस्टेट की काफ़ी बड़ी कंपनी है कॉस्मिक और बाई नेहा दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज जहाँ पे कि इंटीरियर डिजाइनिंग एंड वास्तुशास्त्र से रिलेटेड काम होते हैं मॉडर्न रेनवेयर होने दो दोबारिश रेन कोट्स या रेन

200 लोग बहुत सेलेक्टेड 200 लोगों को उसमें शामिल किया गया 200 लोगों ने उसमें रजिस्टर किया और उन 200 में से 10 लोग ऐसे हैं जो कि फाइनल राउंड में पहुंच पाए राइट दस दो में से 10 लोग ऐसे हैं जो कि फाइनल राउंड में पहुंच पाए और उन फाइनल राउंड के 200 में से 10 पार्टिसिपेंट्स को मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको फाइनल स्पीच नाम मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में देने का मौका मिलेगा और सिक्सटी सेकंड का स्पीच है सिर्फ उनका सिक्सटी सेकंड का और ये 60 सेकंड का स्पीच आपको जस्ट सुनना है और उसके बाद एक नंबर दूंगा मैं उस पर आपको वोट करना है उनके लिए और आप लोग चुनेंगे उन दस में से टॉप थ्री स्पीकर आई यू रेडी सो लेट्स इनवाइट आर फर्स्ट स्पीकर मिस सुदेश शर्मा ऑनलाइन एंड आप बस सिर्फ 60 सेकंड का उनका स्पीच है और 60 सेकंड के अंदर आपको वोट करना है वेदर शी हैज स्पोकन ग्रेट और वॉट राइट आई आई जस्ट वांट योर वन मिनट कैन वी हैव सुदेश शर्मा मैम लाइव प्लीज And सुदेश शर्मा मैम यू you can put me on mute oh यू sharma ma'am is not there ओ सुदेश शर्मा connect with her on the phone. सो पब्लिक स्पीकिंग का महामुकाबला में जब तक सुदेश शर्मा मैम आती हैं, आई विल जस्ट शेयर विद यू ये एक महामुकाबला है जहां पे 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया 200 में से सिर्फ एक व्यक्ति मतलब 10 लोग selected 10 लोग जो कि जीते वो लोग यहां आए रोज एक एक मिनट का उनका स्पीच होगा दस दस दिनों में दस लोग हम कवर करेंगे आप लोग वोट कर सकते हैं एक स्पीकर को आप ट्वेंटी फोर आवर्स का वोटिंग टाइम रहेगा एक स्पीकर के लिए एंड यू कैन जस्ट वोट फॉर दैट वन स्पीकर राइट ओके इफ सुदेश शर्मा मैम इज नॉट हियर राइट नाउ वी विल टेक हर स्पीच इन एंड ओके सो नो प्रॉब्लम लेट्स कंटिन्यू लेट्स कैरी ऑन गाइज जो भी स्पीकर हैं प्लीज मेक श्योर दैट जब भी आपका टाइम आए यू आर नॉट सपोज टू मिस दैट चांस ओके आई कैन आई कैन इनवाइट यू एनी मोमेंट जब भी मुझे लगेगा वन मिनट ठीक है और राइट चलिए दोस्तों सो पब्लिक स्पीकिंग का महामुकाबला का ये स्पीच लास्ट में होगा सो वी कांट हेल्प इट अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं आज एक ऐसी रामबाण टेक्निक जो लिटरली मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लिए हजारों चीजों को पॉसिबल कर देगी एंड uh, मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक है मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाली टेक्निक है और इस रिट इस टेक्निक को आप बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा बहुत सिंपल है अब देखिए एक प्रॉब्लम हमारे साथ सबके साथ है हम सब लोग बहुत कुछ पाना चाहते हैं लेकिन हुआ यूं कि हमारा कॉन्शियस माइंड यहां है हूं हमारा कॉन्शियस माइंड यहां है और दूसरा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये दो माइंड है हमारे

लेकिन सबकॉन्शियस कहता है ना ये मेरा पुराना खिलौना है मेरे बेटे का पुराना खिलौना जब मेरा बेटा पांच साल का था तब मैं लाया था इससे मेरी मेमोरी जुड़ी हुई है आई कैन डू इट सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल कॉन्शियस माइंड प्रैक्टिकल कॉन्शियस माइंड ने सीखा डी क्लटर करना है दोस्तों यहां पर एक किताब सजेस्ट कर देता हूं डी क्लटर ये किताब पढ़ लीजिएगा बहुत प्यारी किताब है यू you नो know, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं ये कम से कम 500-700 किताबों पढ़ने के बाद और काफी सारे स्पीकर्स के यू नो इंटरव्यूज वगैरह लेने के बाद इंटरव्यू सुनने के बाद प्रोग्राम्स अटेंड करने के बाद ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आए हैं तो पंद्रह साल का मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ आपको शेयर कर रहा हूं दोस्तों सो so, डी ये किताब आप पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ सको तो अगेन कुकू एफ से आप डाउनलोड कर लेना वहां से आप सुन लेना ऑडियो बुक्स सुन लेना कुकू एफ से मेरा कोड है सी बी एस आर फिफ्टी इस कोड से आप डाउनलोड करोगे 50 परसेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा और ऐसी हजारों बुक्स आप सुन सकते हो लेकिन डी क्लटर इज बुक मैं आपको हर रोज एक एक बेस्ट बुक के बारे में बताता जाऊंगा बिकॉज ऑल दीज बुक्स आर वेरी वेरी पावरफुल ये सब मैंने खुद पढ़ी है और उसके बेस पर आपको बता रहा हूं तो सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल है कॉन्शियस माइंड क्या है कॉन्शियस माइंड प्रैक्टिकल है कॉन्शियस माइंड को समझ में आया कि यार मुझे शेयर मार्केट से पैसा कमाने को मिल सकता है कॉन्शियस माइंड को समझ में आया लेकिन सब कॉन्शियस माइंड कहता है नहीं यार बड़ा मुश्किल है इसके लिए तो अरे लॉस हो गया लॉस हो गया अरे प्रॉफिट हो गया दिन भर बैठना पड़ता है अरे यार मैंने तो पांच शेयर खरीदे अब वो बढ़ ही रहे हैं एक साल में तो पांच भी नहीं बढ़ा लोग तो कहते हैं शेयर मार्केट में बहुत रिटर्न

जरूरत के समय बहुत ज्यादा आता है जब मैं चाहूं तब आता है नए नए तरीकों से आता है सोता हूं तब भी आता है जागता हूं तब भी आता है कॉन्शियस माइंड ने यही चीज सबकॉन्शियस को बताई सबकॉन्शियस ने दो तीन दिन तो रिपीट की लेकिन तीसरे दिन सबकॉन्शियस ने सबकॉन्शियस को बोला भूल जाए यार इसको तो दूसरे कामों में बिजी हो जा ये सबकॉन्शियस बड़ा पावरफुल है ये क्या करता है जिस चीज को नहीं करता ना नहीं करना चाहता क्योंकि नई चीज है नई चीज के लिए नया एफर्ट नया एफर्ट उसको पसंद नहीं है तो मेरे साथ बोलिए आपकी बॉडी का रूल है एफर्ट बॉडी को अगर पावरफुल बनाना है तो एफर्ट लेना पड़ेगा जिम जाना पड़ेगा आपको यू नो डंबल्स उठाने पड़ेंगे पुशअप्स करना पड़ेगा बॉडी का रूल है एफर्ट सबकॉन्शियस माइंड का रूल क्या है नो एफर्ट इट वॉन्ट्स एवरीथिंग एफर्टलेस अब आप कहोगे लेकिन सर इतने सारे खिलाड़ी दिन रात प्रैक्टिस करते हैं तो करें नहीं करें करना है लेकिन वो किस क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं जो उनको सबसे प्यारा लगता है जिसको करते समय खेलते समय एक बच्चा सब भूल जाता है खेलना क्या बच्चे के लिए एफर्ट है नो इट इज एफर्टलेस मेरे लिए ट्रेनिंग करना एफर्टलेस है आई कैन डू इट फॉर डेज और आग, पिछला से सीजन तो हमने हिंदी और इंग्लिश में किया डेज कंटिन्यू बात कर रहे थे डेज 21 डेज 21 और बीच में दो वर्ल्ड रिकॉर्ड फोर्टी सिक्स डेज हम लोग कंटिन्यू बात कर रहे थे वो भी सुबह और शाम और वो भी फ्री में वो भी बिना किसी यू you नो know, मैं सोनू सर से बात कर रहा था और वो, वो मुझे यही बोल रहे थे यार इतना ज्यादा फ्री प्रोग्राम करने की जरूरत क्या है हम तो नहीं करते यू नो ही जस्ट क्वेश्चनिंग दिस कि in a, in a way कि इन इन वे यार मैं क्यों कर रहा हूं इतना सब कुछ इतना जरूरत नहीं है इतना न तो करने की जरूरत है ना ही ये ये तो मेरा खुद का लॉस हो रहा है फोर्टी सिक्स डेज अगर मैं खड़ा रह के फ्री ट्रेनिंग कर रहा हूं तो बहुत ज्यादा बड़ा लॉस है ये तो मतलब इतने दिनों में तो अगर पेड ट्रेनिंग का एक एक लाख रुपए मिले तो फोर्टी सिक्स होता है या उससे और कहीं ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं माई डियर फ्रेंड ट ये कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस जो चीज आपके लिए एफर्टलेस है मेरे लिए एफर्टलेस है मुझे मजा आता है right? मुझे आपके सामने ये इस टॉपिक के बारे में बात करके बहुत मजा आता है क्योंकि मुझे तो यह सबकॉन्शियस जो है ना इसको जो भी चीज एफर्ट लगती है वो उसे नहीं करना चाहता क्योंकि इसका प्रिंसिपल है पेन से भागो दूर जिस चीज में तकलीफ होती है भागो दूर जिस चीज में फायदा मिलता है आ जाओ पास नो you know? गेम राइट एंड नाउ बेन दिस इज द गेम कि आप कॉन्शियस माइंड चाहता है कि एफर्ट ले क्योंकि बिना एफर्ट के इसको पता है कि आप आई एस एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते लेकिन सब कॉन्शियस एफर्ट से शुरुआत में दूर भागता है सब कॉन्शियस को उस एफर्ट की आदत तब लगती है जब सब कॉन्शियस को उस एफर्ट के बेस पर रिवॉर्ड मिलता है आपने एक्सरसाइज की दस पंद्रह दिन कॉन्शियस माइंड ने पुष्ट किया सबकॉन्शियस को एक्सरसाइज की दोले शोले हलके से दिखे सबकॉन्शियस कहेगा यस या किसी ने अप्रिशिएट किया अरे तुम तो आजकल बहुत अच्छे चमक रहे हो वो वाओ सबकॉन्शियस को अब अच्छा लगेगा सबकॉन्शियस इमोशंस आएगा तो अच्छा लगेगा तो प्रॉब्लम यहाँ है कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है दिन में आप कहते हो हजार करोड़ कमाऊंगा आई डिजर्व हजार करोड़ कॉन्शियस सबकॉन्शियस कहता है किधर से कौन सी फैक्ट्री है तेरे पास कौन सा प्लानिंग है तेरे पास कहां से हो जाएगा बस बी ने कहा माइंड को प्रोग्राम करो लिखो और आ जाएगा करोड़ नॉट नॉट पॉसिबल पॉसिबल भैया होता है ना कंपनी में कई होते हैं ना जो बोलते सर हो ही नहीं सकता ये तो हो ही नहीं सकता कुछ कुछ कहते हैं सर करेंगे सर कई लोग कहते हैं नहीं हो सकता सर ये बड़ा डिफिकल्ट है तो ये वही वाली चीज है कई लोग इंडिया के कहते हैं ना कई लोगों के मुंह से मैंने सुना कुछ नहीं हो सकता इंडिया का और यू नो भैया जिस देश में रह रहे हो उसके लिए तुम कह रहे हो कुछ नहीं हो सकता तुमने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं होगा होगा बहुत होगा क्योंकि अब मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच चल रहा है अब बहुत बड़ा बहुत बड़ा बड़ा सोचेगा सोचेगा मेरा इंडिया लिख दीजिए दोस्तों यू रॉक सभी के लिए क्योंकि आप सब लोग इसे सुन रहे हैं लॉट्स ऑफ लव लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड टूच तो खैर बातचीत कहां हो रही है तो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो भी कमांड इसको दे रहे हो तू हजार करोड़ कमाएगा नाउ कॉन्फ्लिक्ट शुरू तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाओगे कॉन्फ्लिक्ट शुरू तुम कहते हो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा कॉन्फ्लिक्ट शुरू कॉन्शियस माइंड कह रहा है प्रधानमंत्री बन जाऊंगा सबकॉन्शियस कह रहा है कैसे बनेगा राजनीतिक पार्टी में भी नहीं है मेरे भाई कहां से चलेगा तुम कह रहे हो किताब लिख दो सबकॉन्शियस कहेगा कहां से पांच किताबें पढ़नी पड़ेगी आता है तुझे कौन पढ़ेगा तेरी किताब कहां से पढ़ेगा आपने देखा होगा ना आप ही कोई चीज आपके माइंड में आइडिया आता है तुरंत आप ही के माइंड में लड़ाई शुरू हो जाती है कैसे होगा होगा ही नहीं पॉसिबल ही नहीं है सब थोड़ी कमा लेंगे सब कॉन्शियस के ये दलीलें हैं सब थोड़ी कमा लेंगे इतना आसान थोड़ी है पैसा पेड़ पे थोड़ी लगता है अरे भाई ऐसा हो जाता तो हर कोई रिच हो जाता ये अंदर से लड़ाईया चल रही है सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस की अब दोस्तों एक बट हमें प्रोग्राम तो करना है प्रोग्राम कैसे करें तो रामबाण टेक्निक के थ्रू रामबाण टेक्निक क्या है दो ऐसे समय होते हैं जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आर्ग्यू वापस कर नहीं सकता या आपका कॉन्शियस माइंड भी आर्ग्यू नहीं कर सकता अब सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस से आर्ग्यू कब करेगा जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों एक्टिव होंगे दोनों में से एक इनएक्टिव हो गया तो एक आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बट टू लिसन ओके तो दो ऐसे मोमेंट होते हैं जब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता और उसके लिए ये सारी प्रक्रिया एफर्टलेस होती है कौन कौन से दो समय एक तो रात को सोने से इमीजिएट पहले एक सुबह उठने के इमीडिएट पांच सेकंड दस सेकंड पंद्रह सेकंड बीस सेकंड तक और तीसरा सबसे बेस्ट समय होता है जब आप नींद में हो सबकॉन्शियस को कहते हैं आप प्रोग्राम कर सकते हो जैसे एक कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर डाल सकते हो उसकी रैम कम हो गई तो रैम और लगा सकते हो वैसे ही कहीं ना कहीं नए नए एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड जब बाकी की सारी प्रोसेस शांत है तब ज्यादा रिपेल नहीं करेगा क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि मैं किससे लड़ाई करूं कोई बात नहीं आने दो जो है जैसा है इट इज इन द एक्सेप्टेंस मोड और वो समय है नींद का समय अब मैं आपसे पूछता हूं अगर सोते सोते आपका माइंड प्रोग्राम हो जाए तो क्या होगा आठ घंटे छह घंटे साढ़े छह घंटे पांच घंटे आप सोते हो और मान लीजिए पांच घंटे रात भर आपके माइंड ने आप ही की आवाज में सुना सबकॉन्शियस माइंड ने क्योंकि रिपीटेशन चाहिए इसको एक बार से नहीं होगा ये पांच सौ बार रिपीटेशन पांच हजार बार रिपीटेशन पचास हजार बार रिपीटेशन रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द लर्निंग्स अब मान लीजिए आप नींद में हैं और उस समय सबकॉन्शियस माइंड रात भर सुन रहा है क्या सुन रहा है आई एम ए विनर आई कैन चेंज माई लाइफ पैसा मेरे पास आसानी से आता है पैसा मेरा सबसे बड़ा दोस्त है आई एम वेरी पावरफुल मैं चाहूं जो पा सकता हूं ब्रह्मांड मेरे साथ काम करता है 500 करोड़ मैं डिजर्व करता हूं बहुत आसानी से मेरे पास सब कुछ आ रहा है मैं जो चाहूं मैं पा सकता हूं मैं आई ऑफिसर बनूंगा मैं आई ऑफिसर बन रहा हूं मैंने शपथ ले ली है मैं देश की सेवा कर रहा हूं मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं जो भी आपको चाहिए मतलब आपको कौन से फील्ड की सफलता चाहिए रात भर जस्ट इमेजिन कीजिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इनपुट जा रहा है मैंने आपको पहले सेशन में बताया था दोस्तों इनपुट ही प्रोसेस होगा और आउटपुट निकलेगा आईपीओ इनपुट गेट्स आउटपुट हैपेंस ये पहले सेशन में हमने सीखा तो जब ये पहले सेशन में हमने सीखा तो यही चीज हमारे साथ इस सेशन में भी हो सकती है अब एट आवर्स की फीडिंग माइंड की वो भी मान लीजिए आप में से किसी ने भी थर्टी डेज भी ये किया तो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू रिपीटेड जैसे आपने मान लीजिए सिर्फ एक मिनट का काफर्मेशन पैस, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है मेरे पास बार बार आता है हर बार आता है जब चाहूं जब आता है दिन में आता है रात में आता है सोते समय आता है जागते समय आता है हर सोर्स से आता है जिस जगह पे मैं हाथ डालू वहां से आता है ये आपने रात में छह घंटे में मान लीजिए एक घंटे में ये साठ बार चला तो छह घंटे में तीन बार हुआ तीन सो डेज आपने सुना इसको कितनी बार रिपीट हो गया अराउंड ढाई हजार बार रिपीट हो गया एंड बेस्ट पार्ट आपको नहीं पड़ा जागते हुए बस इतना सा एफर्ट आपका चाहिए एक बार इसे रिकॉर्ड कर दो और रात को सोने से पहले प्ले कर दो तो आप में से कई लोग कहेंगे आई डोंट अग्री टू दिस तो आपको एक कहानी सुनाता हूं महाभारत काल में एक छोटा सा बच्चा मां के पेट में था सुभद्रा के पेट में कौन था वो बच्चा अभिमन्यु और अर्जुन अभिमन्यु मतलब सुभद्रा से रात को बात कर रहा था अभिमन्यु गर्भ में था एंड सुभद्रा से अर्जुन बात कर रहा है कि चक्रव्यू कैसे तोड़ते हैं और अर्जुन को जब वो अर्जुन जब बता रहा था चक्रव्यू कैसे तोड़ते हैं तो सुभद्रा ने पूरी कहानी सुनी ठीक से चक्रव्यू कैसे तोड़ते हैं लेकिन रात का समय था सुभद्रा को सुनते सुनते नींद आ गई अर्जुन ने यह बात बता दिया था कि चक्रव्यू में अंदर कैसे घुसते हैं लेकिन अर्जुन ये नहीं बता पाया था कि बाहर कैसे निकलते हैं क्योंकि सुभद्रा को नींद आ गई थी अब यू नो वॉट आप में से हर आदमी को पता है अभिमन्यु ने चक्रव्यू तोड़ना मां के पेट में सीख लिया था कितने लोगों को ये बात पता है right? ये कहानियां है okay? ये सारी चीजें हमें सुनाई इसलिए गई है ताकि हम में से हर आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो ये देखे आजकल बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग हो रही है जहां गर्भ संस्कार गर्भ में ही बच्चे को संस्कार दो कि कैसा बनना है बच्चा कैसा बच्चा चाहते हो कैसी जिंदगी चाहते हो गर्भ में जब नौ महीने बच्चा है तो वो बिल्कुल उसका सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले डेवलप होता है सबकॉन्शियस माइंड क्योंकि देखिए कंट्रोल सिस्टम अगर डेवलप नहीं हुआ क्योंकि हार्टबीट को मेरी कौन कंट्रोल कर रहा है कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा ब्लड सर्कुलेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है इम्यूनिटी को कौन कंट्रोल कर रहा है मेरी ग्रोथ है होगी या नहीं होगी कौन कंट्रोल कर रहा है कौन से टिश्यूज डेड हो गए उनको बाहर निकालना है कौन से टिश्यूज एक्टिव हो गए उनको अंदर ये सब कौन कब भूख लगेगी कम नहीं लगेगी ये कौन कंट्रोल कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड सो बच्चा जब पैदा होता है या पेट में बीज डलता है उसी समय सबसे पहले डेवलप होता है सबकॉन्शियस माइंड इट इज इन एवरी सेल ये कहते हैं कि आपकी हर एक सेल के अंदर आपकी हर एक कोशिका के अंदर उसका खुद का माइंड है एंड दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड सो सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट हियर ये पूरी बॉडी में है हर जगह है आपके पास और ये कहते हैं कि यू कैन से सम पीपल से मेरा हार्ट कुछ कह रहा है यार मेरे हार्ट को सुनो मे बी दैट इज योर हार्ट तो अर्जुन ने अगर चक्रव्यूह तोड़ना मां के पेट में सीख लिया जब वो सोया हुआ था मतलब अभिमन्यु ने सॉरी जब वो सोया हुआ है जब उसके पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं है इसका मतलब है सबकॉन्शियस एक्टिव है और सबकॉन्शियस उसकी ग्रोथ कर रहा है ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है उसके धीरे धीरे हाथ पांव बना रहा है दैट इज द टाइम इफ अभिमन्यू कैन बी प्रोग्राम आपके बच्चे कैन बी प्रोग्राम्ड तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को भी उसी समय प्रोग्राम किया जा सकता है तो इसके लिए जो एक्टिविटी है वो आप सभी को करनी है इट इज कॉल्ड लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज और यह रामबाण है जब जब मैंने इसे अप्लाई किया है दोस्तों जब जब मैंने अप्लाई किया है मुझे रिजल्ट you know, मैं तो बहुत ज्यादा इस चीज को अप्लाई करता हूं और मेरे तो 99 नाइन परसेंट गोल्स मेरे पूरे होते हैं 99 99 परसेंट कौन कौन सी चीजों में अप्लाई करता हूं मुझे यू you नो know, बहुत इच्छा थी कि यार किसी को मैंने एक करोड़ रुपए कमाते देखा तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं भी एक महीने में एक करोड़ कमाऊं और मैं कभी भी नहीं पहुंच पाता था दस लाख पांच लाख आठ लाख मैंने ये सुनता था मैं 2017, 18, 19 में सुनता था ये प्रोग्राम किया डाल दिया तो इस लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज के तीन स्टेप है वो वो पहले सुन लेते और जब 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 मैंने मैंने अप्लाई किया मुझे रिजल्ट आया आया डेफिनेटली दो तीन साल बाद वो मौका आया जब मैंने एक महीने में एक करोड़ कमाया और अब तो मेरे कई बार वो मौके आ चुके हैं जब एक महीने में दो करोड़ ढाई करोड़ तीन करोड़ तक भी है एंड आई एम नॉट से का मेरे साथ ही काम कर रहा है ये सबके साथ काम करेगा कैसे काम करेगा तो इसके तीन स्टेप है पहला स्टेप मान लीजिए आपकी आने वाली लाइफ आज से जो लाइफ आने वाली है अगले बीस साल की पंद्रह साल की अठारह साल की आने वाली लाइफ की मूवी बने और आप उसके डायरेक्टर हैं ओके इस मूवी के तो आप आने वाली जिंदगी कैसी दिखाएंगे उस मूवी में आप आई एम श्योर आप के जी एफ टू के जी एफ थ्री मतलब के जी एफ वन टू थ्री या बाहुबली वन टू जैसी मूवी बनाएंगे जिसको देखते ही मतलब सभी लोग कहें यार वाह मतलब के जी एफ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए यार हजारों करोड़ कमा लिया आरआरआर ने हजार करोड़ कमा लिया बाहुबली ने हजारों करोड़ कमा लिया कैसे क्योंकि वो मूवी इतनी तो अच्छी बनी है कि सभी को पसंद आ रही है चाहे उसमें वायलेंस है कुछ भी है लेकिन मेनी पीपल आर लविंग इट एंड पीपल हु लव एक्शन ये सब उसके दीवाने हो गए मूवी इतनी अच्छी तो अगर आप डायरेक्टर हैं तो कैसी मूवी बनाएंगे सुपरहिट लेकिन सुपरहिट मूवी बनाने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट तो ये कहा जाता है कि यू नीड टू राइट योर स्क्रिप्ट फर्स्ट आपको क्या करना है स्क्रिप्ट आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो एक ऐसी मूवी बनाओ अपने माइंड में कि भैया आईएएस ऑफिसर में आज बन गई हूं उसके बाद की मूवी ऐसा नहीं कि आज से मैं पढ़ाई करूंगी फिर आईएएस ऑफिसर बनूंगी नहीं आपको इमेजिन करना है कि आप बन गए उसके बाद आप क्या क्या कर रहे हैं उसकी एक स्क्रिप्ट मतलब आप एक ऐसे आईएएस ऑफिसर बन गए जो कि मतलब जैसे सिंघम सिंघम बन गए आप मान लीजिए आप आईपीएस बन गए और आप सिंघम बन गए तो आप सिंघम बनने के बाद कैसे कैसे गुंडों का सफाया कर रहे हो किस किस तरह से आपका प्रमोशन हो रहा है किस लेवल का आप काम कर रहे हो वो स्क्रिप्ट लिखनी है आपको और स्क्रिप्ट लिखने के रूल वही हैं जो मैंने आपको आठवें सेशन में गोल लिखने के रूल्स बताए थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होनी चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए उसमें फीलिंग्स होनी चाहिए उसमें अपने फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड करना है भगवान को थैंक यू बोलना है और बिल्कुल क्लियर होना है क्या चाहिए सो पहली चीज दोस्तों राइट योर स्क्रिप्ट वापस से बता दूं कैसे लिखनी है पॉजिटिव शब्द सिर्फ उसमें एक भी ध्यान से देखिए उसमें नहीं लिखना है कि मेरे लोन पूरे हो गए उसमें नहीं लिखना है कि मेरी बीमारी चली गई उसमें बीमारी शब्द ना आए क्योंकि बीमारी शब्द आते ही आपके माइंड में बीमारी का चित्र आता है आपके ने कहा लोन लोन आते ही लोन का चित्र आता है तो ऐसा कुछ नहीं लिखना है पॉजिटिव प्रेजेंट कंटिन्यूसुर मैं तो आईपीएस ऑफिसर बन गया और उसके बाद मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं ऐसा कर रहा हूं मैंने ये कर दिया वैसा कर दिया मैं प्रधानमंत्री बन गया उसके बाद यह हुआ वो हुआ मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया उसके बाद मतलब जो जो आपको चाहिए उसकी स्क्रिप्ट पॉजिटिव में में प्रेजेंट टेंस और उसके बाद दूसरी चीज क्या करनी है पॉजिटिव लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा एंड फीलिंग uh, होनी चाहिए उसमें यस आई हैव डन इट पूरा जोश के साथ लिखना उसमें लिखिए लिखिए पहला काम है लिखना स्क्रिप्ट होनी चाहिए मूवी मूवी की स्क्रिप्ट जब अक्षय कुमार या किसी भी डायरेक्टर वगैरह के पास जाती है कोई बदना लेके जाता है तो वो उसमें सारी इमोशन डालता है राइट और वो इमोशन होने चाहिए और उसके साथ साथ अपने परिवार वालों को या अपने घर वालों को या अपने दोस्तों को या फिर अपनी टीम मेंबर्स को जो भी जिनसे भी आप बहुत प्यार करते हो ऐसे ऐसे लोग उसमें उसमें कैरेक्टर डालें चाहे तो आप अपने घर वालों के साथ मिलके ये स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और लास्ट में भगवान को थैंक यू जरूर बोले और हर चीज जो आपको चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए जैसे कि अगर आप मानते हैं कि आपने जो काम किया उसके लिए आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है तो इमेजिन करेंगे आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है और वो पूरी चीज़ क्लियरली लिखें कि आज मैं राष्ट्रपति भवन में बैठा हूँ राष्ट्रपति साहब अभी आने ही वाले हैं मेरे साथ करीब 200 और लोग हैं और हम सब लोग इस हॉल में हैं और पूरा इंडिया इसको लाइव देख रहा है एंड बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है सारी मीडिया है इवन प्रधानमंत्री भी मौजूद है सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स मौजूद हैं और ये बहुत ही शानदार कमरा है आलिशान कमरा है इसमें रेड कार्पेट बिछा हुआ है अब थोड़ी सी देर में राष्ट्रपति महोदय आ चुके हैं आ ही रहे हैं माय जनगण मन के साथ शुरुआत की और इतना रॉयल ट्रीटमेंट अच्छा रहा है, है। क्लैरिटी जो जो नहीं है तो आप लिख नहीं पाएंगे और क्लैरिटी लानी कैसे अगर आपने नहीं आपको नहीं पता कैसा होता है उस समय तो किसी ने किसी को राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है उस समय का उस समय का वीडियो देखिए उस समय का वीडियो देखिए दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है मेरे पापा पापा ने ने मुझे बुलाया पापा ने कहा बेटा तू अमिताभ बच्चन साहब से सीख कि उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है और अमिताभ बच्चन साहब को एक राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा था और उस समय जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उनको अवार्ड दे रहे थे उस समय उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी मेरे पिताजी ने बिठा के मेरे को बड़े टीवी पे दिखाया एंड तीन दिन के अंदर एक छोटी सी घटना घटी राइट ये इमेजिनेशन क्रिएट हुई तीन दिन के अंदर मुझे दैनिक भास्कर से कॉल आया जयपुर से बोले कि सर यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर दिस अवार्ड एंड राज्यपाल कालराज मिश्र जो राजस्थान के राज्यपाल है उनके हाथों से मुझे एजुकेशन एक्सीलेंस का अवार्ड मिला दोस्तों तो मैंने पापा को कहा मैंने कहा आपने ऐसे सोचा और इधर मिला राष्ट्रपति नहीं तो राज्यपाल तो आ गया यू you नो know, चांद का सोचोगे तो तारे तो आ ही जाएंगे सो right? so, नहीं मतलब तारों का सोचोगे तो चांद तक पहुंच ही जाओगे सो समथिंग लाइक दैट तो राइट योर स्क्रिप्ट दूसरी चीज दोस्तों बहुत ही सिंपल है आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी आवाज पे सबसे ज्यादा बिलीव करता है तो रिकॉर्ड योर स्क्रिप्ट रिकॉर्ड अपनी आवाज में रिकॉर्ड करें बहुत ही फीलिंग के साथ बहुत एक्साइटमेंट के साथ बहुत जोश के साथ रिकॉर्ड करें ऐसा रिकॉर्डिंग होना चाहिए हुर्रे यस आज मैं या मतलब आप जैसे चाहें वैसे ओके रिकॉर्ड करें आप किसी भी फील्ड में हैं आपके फील्ड में सफलता के लिए एक मतलब आपको देखिए आपको चाहिए हजार करोड़ आपको चाहिए मिलियोर बनना बिलियोनियर बनना आप स्टार्टअप बनाना चाहते हैं आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं आप हजारों लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो आप इतना बड़ा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ये शायद स्क्रिप्ट लिखने में एक दिन चला जाए और रिकॉर्ड करने में कितना लगेगा मुश्किल से अगर ये आपकी दस पेज की स्क्रिप्ट भी होगी तो आपको रिकॉर्ड करने में मेरे हिसाब से लगेगा आधा दिन मे बी ज्यादा से ज्यादा वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है वीडियो रिकॉर्डिंग तो है नहीं मे बी लेट से एक घंटा दो घंटा और लंबी मत लिखिए ज्यादा लंबी मत लिखिए स्क्रिप्ट एक पेज दो पेज बहुत हो गया तीन पेज चार पेज ज्यादा ज्यादा जितनी लंबी लिखोगे गलतियां होने की चांस रहेंगे एंड उसके बाद तीसरा सिंपल स्टेप लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज का और वो तीसरा सिंपल स्टेप है दोस्तों रात को सोते समय प्लेट अब आप मोबाइल में प्ले करें आपके मोबाइल की बैटरी अच्छी है लगा के छोड़ दें कई लोग कहते हैं सर रात भर प्ले करें लेकिन हमारा मोबाइल का बैटरी तो दो घंटे अरे भाई दो घंटे सुन ले कोई कहता है आधा घंटा ही है आधा घंटा सुन ले लैपटॉप है लैपटॉप में चार्ज लगा के छोड़ दो और कई कहता है सर लैपटॉप की बैटरी खराब हो गई भाई ये एक्सरसाइज करने में अगर लैपटॉप की बैटरी पहले पांच साल चलने वाली थी और इस एक्सरसाइज के कारण दो ही साल चल रही है इट्स ओके लैपटॉप की बैटरी कितनी की आएगी दो हजार चार हजार पांच हजार की ये एक्सरसाइज से करोड़ों आ सकता है आप कह रहे हो सर इज दैट ट्रू यस ट्राई कीजिए दोस्तों मैंने तो बहुत बार किया है पैसों में किया है अपने अपने में अप्लाई किया है मेरी बहन की शादी टाइम पे नहीं हो रही थी तो ग्रूम ढूंढने के लिए किया है मेरे प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया है 2008 से ये सब चीजें कर रहा हूं दोस्तों एंड इट्स इट्स माइंड ब्लोइंग दोस्तों बहुत 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 मजा आता है जब इस तरह की चीजें करते हैं तो ये राम बाण है दोस्तों इसको अप्लाई कीजिए आपका बच्चा बीमार है स पंद्रह दिन ये लगा के छोड़ दीजिए गारंटी देता हूं आपका माइंड आपके बच्चे का माइंड सब प्रोग्राम हो जाएगा अच्छा आप में से कई लोगों का टेंशन हो सकता है कि सर ये जब चलाते हैं ना तो नींद नहीं आती तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ना बड़ा सेंसिटिव है तो क्या कर सकते हैं आप कमरे के बाहर रख सकते हैं ये और हल्की आवाज में चला सकते हैं बहुत ही जैसे मान लीजिए वॉल्यूम हंड्रेड है हंड्रेड की जगह टू की वॉल्यूम पे भी चलाएंगे ना तो भी ठीक है और कई लोग कहते हैं सर नींद नहीं आती भाई आपके अंदर इच्छा होगी ना तो नींद आ जाएगी कई लोग रेल की पटरी के पास सोते हैं उनका घर वहां होता है तो भी उनको नींद आती है कई लोग एयरपोर्ट के पास में उनका घर होता है तो उनको क्या नींद नहीं आती है? आती है डिपेंड करता है आप अपने माइंड में कैसे कैसे आप अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं सो दोस्तों करिए इसे करना आपके हाथ में है बताना मेरे हाथ में है मुझे रिजल्ट मिला है जो चीजें आपको इसमें बताई जा रही है वो सारी वो चीजें हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई की है प्रैक्टिकली ना सिर्फ मेरी जिंदगी में आज तक शायद इस टॉपिक के ऊपर मैं 50 लाख से ज्यादा लोगों को एड्रेस कर चुका हूं मेरे यूट्यूब चैनल एंड एट द सेम टाइम लाइव एंड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एंड वन टू वन कोचिंग सभी कुछ मिला के और इन 50 लाख लोगों में से हजारों लोगों ने मुझे कहा है सर ये काम करता है रिजल्ट आ रहा है मजा आ रहा है करके देख लीजिए और वैसे भी क्या करना है एक स्क्रिप्ट एक रिकॉर्डिंग और उसके बाद क्या करना है जिंदगी पर प्ले ग्रेट वंडरफुल दोस्तों सो तो अब समय आ गया है सुपर को बुलाने का समय आ गया है हमारे सबसे पावरफुल सबसे चहेते मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाने का दोस्तों मैं आपको छोटी छोटी चीजें यहां पे बताऊंगा यू you नो know, सोनू शर्मा जी से मेरी पहली मुलाकात हुई आज से करीब पांच छह महीने पहले जहां पे कि मुझे और सोनू शर्मा जी को एक पीएचडी अवार्ड मिला ऑनरेरी पीएचडी उसके पहले सुनता था उनकी जब भी स्पीच सुनता था तो मुझे खुद को ऐसा लगता था यार इस बंदे के अंदर कितना नॉलेज है हजारों लोगों के इंस्पिरेशन लाखों लोगों की इंस्पिरेशन करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं एक एक स्टोरी में एक एक शब्द बहुत ही पेनेट्रेटिंग एंड मुझे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है इनसे यू नो पहली बार मिला मुझे लगा काफी ईगो होगा काफी यू नो ऐसा होगा कि जैसे छोटे मोटे स्पीकर से बात नहीं करनी कई सारी चीजें क्यों बात करेंगे सिंपल थे लेकिन जब हम मिले जब हम बात करें बैठे बिल्कुल सिंपल एंड मैं मेरे माइंड में ये इमेज क्यों थी क्योंकि मैं कई और मोटिवेशनल स्पीकर से मिला लेकिन उनमें से कई लोगों के अंदर मैंने देखा वो इनपुट ऑफ ईगो लेकिन इनके अंदर ना तो ईगो था एक जिस तरह से दोस्त से बात करते पहली बार मेरा फोन कॉल हुआ इनके साथ पहली बार फोन कॉल इतना लंबा हुआ पंद्रह बीस मिनट का फोन कॉल उसमें इतनी सारी चीजें इन्होंने ओपनली मुझसे शेयर की और मुझसे पूछी मज़ा आया ऐसे लगा जैसे कि एक बचपन के दोस्त से बात कर रहा हूँ कभी किसी तरह का ऐसा फीलिंग नहीं आया एक मिनट भी कि यार यू या नो कैसे क्या बात कर लू कैसे नहीं कर लें एक बड़े भाई की तरह एक बहुत ही प्यारे दोस्त की तरह इन्होंने हमेशा बात की आई थिंक दोस्तों यही सिंपल क्वालिटीज किसी स्पीकर में होती हैं या किसी किसी के अंदर होती है जो कि उसे लाखों लोगों का चहेता बना देती है आज सोनू शर्मा जी के नाम से आप सभी फेमस है आई मीन वाकिफ है उनके यूट्यूब चैनल पर एक करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी बढ़ते जा रहे हैं पर डे टू मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वहां हैं एक ऐसे सादा इंसान सरल इंसान जो कि पते की बात करते हैं टू द पॉइंट बात करते हैं एंड आई थिंक द मन द मैन हु ऑलवेज इंस्पायर एवरी वन हु मीट्स ए डायनेमिक पर्सनैलिटी सो जॉइन मी टू वेलकम वन एंड ओनली द मोस्ट पावरफुल स्पीकर द मोस्ट डायनेमिक स्पीकर जब तक वो ज्वाइन करते हैं तब तक मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा उनके बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में देखिए ये स्पीकिंग इंडस्ट्री इज नॉट दैट इजी इसके लिए टाइम लगता है बहुत सारा टाइम लगता है बहुत जान लगती है तो चलिए शर्मा सर जाते हैं उतनी देर में हम लोग सुदेश मैम की स्पीच सुन लेते हैं एक मिनट की स्पीच है सुदेश मैम की और उसके बाद सोनू शर्मा सर को वेलकम करेंगे फिर से सो so, सुदेश शर्मा जी को को लाइव लाया जाए मिनट की स्पीच है दोस्तों और उसके बाद आप सभी को वोट करना है पब्लिक स्पीकिंग का महामकाबला की बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है और उन्होंने कभी बात नहीं की थी और आज पहली बार उन्होंने स्पीच सीखी और दो तीन महीने के अंदर ये इंप्रूवमेंट वन टू थ्री सुदेश मैम यू कैन स्टार्ट सिक्सटी सेकेंड का टाइम है आपके पास नमस्कार सभी को आज मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का पांचवा सीजन है और अठारवा दिन है इससे पहले भी चार सीजन हो चुके हैं तो चारों मैंने देखे हैं और बहुत लर्निंग अपने जीवन में मैंने हासिल की है एक दिन की लर्निंग इतनी गजब की सर ने बताई थी अगर कैश पाना है तो काश पर ध्यान दो ये पांच बातें यदि कोई सीख ले तो वो कभी मार नहीं खा सकता नॉलेज बढ़ाइए अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए स्किल सीखते रहिए और सेल स्ट्रेटेजी सीखिए और अपनी हैबिट को हमेशा बहुत बढ़िया बना के रखिए वरना तो बेकार की हैबिट लग जाएंगी साथियों मैं एक गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होकर के सोचा करती थी कि आगे का जीवन कैसे बिताऊंगी लेकिन लॉकडाउन में जो सर का साथ मिला और मैं बड़ा सौभाग्य मानती हूँ जो ये कोच के रूप में मिले इनसे रोज नई लर्निंग लेती हूँ नई स्किल सीखती हूँ और अपने जीवन का लक्ष्य में बना चुकी हूँ मैं दावे से कहती हूँ कि मुझे तो अपने जीवन की दिशा मिल गई है साथियों और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से धन्यवाद

Two crore lives. So let's welcome Sonu Sharma, sir. How are you, sir? Sonu, sir, can you hear me? Team? Sonu, sir, is there? Can you make him the code?

बहुत सारे बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं आपका तो आपके बारे में आप सर। के लिए ये सर बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल मैं कहता हूँ की मेरा ड्रीम था आपको इस प्रोग्राम में लाने का क्योंकि Ram, Jai Ram. Yes, sir. Now everything is perfect. I think. Yes, yes. Yeah. Wonderful. So, Sonu sir, uh, आपको सभी लोग जानते हैं किसी तरह के इंट्रोडक्शन का कोई uh, वो नहीं है मोहताज नहीं है आप और आपका नाम ऑलरेडी हजारों लोगों के दिलों दिलों में धड़क रहा है आई वुड लाइक यू टू गाइड अस फॉर द नेक्स्ट थर्टी मिनट्स वट एवर यू फील लाइक शेयरिंग ये पूरा सेशन में सर हम माइंड पावर कैसे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है कैसे बड़े लोग सोचते हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच ही प्रोग्राम का नाम है सो अकॉर्डिंगली यू आर फ्री द स्टेज इज ऑल योर्स फॉर द नेक्स्ट स्टडी मेरे सर तो मुझे क्या बोलना रहे हैं जी सर हर आदमी यह पूछ रहा है मुझसे यहां

हाईली ऑबलाइज और अच्छा लग रहा है आपसे और आपके ऑडियंस से बात करके हो सकता है uh, मेरे द्वारा कही गई कुछ बातें आपके लोगों को अच्छी लगे समझ में आए और अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट कर सकें <coughs> शुक्रिया बुलाने के लिए यार बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच सबसे पहले यो वेलकम सर यो वेलकम अभी आपके क्वेश्चन पे आता हूँ ना विदाउट वेस्टिंग मेरा वॉइस क्लियर है लोगों को आ रहा है यस सर एवरीथिंग इज क्लियर Am I audible? Audible sir. You are audible sir. सर uh, Sonu sir, you are audible. Sir, you are audible sir. तो पहला सवाल है कि पैसे जल्दी कैसे कमाएं? तो उसका आंसर है आप बैंक लूट सकते हैं एक दिन में आप करोड़पति हो जाएंगे <laughs> इन जस्ट वन डे यू कैन बिकम अ करोड़पति और अरबपति या आप किसी का किडनेप करके भी करोड़पति अरबपति हो सकते हैं अगर जल्दी कमाना चाहते हैं तो मेरे पास ये दो बहुत साधारण सिंपल रास्ते हैं नो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न किडनेप करने में ज्यादा पैसा भी नहीं लगता किसी को और बैंक लुटने में भी शायद कोई बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे की जरूरत नहीं है अगर जल्दी कमाना चाहते हैं तो ये दो ऑप्शन है आपके पास और जल्दी कमाने का मेरे पास कोई रास्ता है नहीं यार जिस दिन मिलेगा मैं जरूर खुशी खुशी आपको आके बताऊंगा क्या बात है हाउ वंडरफुल बट सोनू सर कई लोग है ना पैसा कमाने के लिए कई सारी चीजें सीख भी रहे हैं मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन कई बार 10-10 साल तक की स्पेशली जैसे कई लोग यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से भी हैं और आ, मैंने जहां तक पढ़ा है अराउंड 80-90 लोग आ, सब कुछ करने के बावजूद भी मीटिंग अटेंड करते हैं बुक पढ़ते हैं हैं सब कुछ करने के बावजूद भी ना डायमंड बन पाते हैं अपने जीवन काल में ना ही वो करोड़ों रुपया कमा पाते हैं जो उनका सपना होता है तो व्हाट डू दे उन चीजों को कैसे एक इंसान अपनी जिंदगी में लाए भूपेंद्र जी खासतौर तो पर जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो हमारे गुरु भाई और बहन है एक तरीके से है ना तो हम भी उसी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं तो पहली बात तो यह है कि बहुत सारे लोग सही जगह ही नहीं पहुंच पाते जहां से उनको रियल नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन मिल सके मतलब मेरी बात को बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिएगा बहुत सारे मैं सोशल मीडिया पे जितना भी मैं टाइम स्पेंड करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद ही नेटवर्क मार्केटिंग करते ही नहीं है तभी तो वही बात हुई कि जिस डॉक्टर को खुद शुगर की बीमारी है वो शुगर का इलाज कर रहा है करेक्ट Right. So, राइट yes. तो नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारा गीता ज्ञान बाजार में डाल रहे हैं जो खुद नेटवर्क मार्केटिंग कर ही नहीं रहे मैं तो कभी कभी शौक हो जाता हूँ सुनता हूँ जब वो लोग बोलते हैं कि इस दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया की सबसे बढ़िया इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग मतलब वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पचास पचास सौ सौ वीडियो भी बना चुके हैं लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ तो आप क्यों नहीं करते जब इतना ही अच्छा है इतनी ही बढ़िया इंडस्ट्री है और हम सबको करनी चाहिए तो सबसे पहले तो वो कहते हैं ना कि पीपल सी पीपल डू मंकी सी मंकी डू सबसे पहले तो उनको करना चाहिए जो इतना अच्छा अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलते हैं तो प्रॉब्लम है नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा करना चाहते हैं उनको सही सोर्स नहीं मिलता कभी कभी सही जगह पहुंचते नहीं है एक्चुअली वो लोग तो जहाँ से कभी कभी नॉलेज ले रहे हैं जहां से एजुकेशन ले रहे हैं कभी कभी उस एजुकेशन में ही बहुत बड़ा झोलझाल रहता है तो राइट जगह से हेलो सोनू सर कैन यू हियर मी दोस्तों जब तक uh, शायद सोनू सर का इंटरनेट uh, चैलेंज या कुछ हुआ है तो सोनू सर ये बता रहे थे कि देखिए सही जगह पे पहुंचो तो सही आई यू विद राइट पीपल आई यू विद राइट लीडर्स यस सोनू सर यस सर वी कैन हियर यू नाउ यस तो मेरा कंसर्न बड़ा सिंपल है भूपेंद्र जी राइट right. ये बहुत ज्यादा वो एक्चुअली पुरानी एक कहावत है अगर आप बोलो तो मैं बता दू तो आपके चैनल yes, yes, okay, हाँ पुरानी कहावत ये है जी की दो तरह के लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते कौन से दो तरह के लोग पहला जो किसी की नहीं सुनते दूसरा जो बहुत लोगों की सुनते हैं सो ब्यूटिफुल प्रॉब्लम क्या है हम सब लोग आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए हैं जहां से वीडियो आया उसी को ज्ञान समझ के बांटना शुरू कर देते हैं ये बहुत है। ज्यादा जरूरी है कि आपकी लाइफ में एक गुरु हो किसी को भी बनाए लेकिन उसको कम से कम पांच साल सात साल दस साल फॉलो करें ब्लाइंडली मुझे बनाए आपको बनाए किसी सी को बनाए किसी डी को बनाए किसी ई e पर्सन को बनाए लेकिन प्रयास ये करें कि किसी एक व्यक्ति की वेवलेंथ के साथ अपने आप को जोड़ लें जिसके साथ आपका वेवलेंथ आपका नेचर आपका थॉट प्रोसेस मैच करता हो बहुत सारे होना भी एक खतरनाक बात है बहुत। अच्छा बहुत सारे लोगों का तो एक भी नहीं है और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे हैं। ये भी एक problem है तो ये भी एक कंसर्न है बाकी आप जिस तरीके से लोगों को पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं कोच कर रहे हैं मैं तो खुद आपका बहुत बड़ा फैन हूं यार अरे सर थैंक यू सो मच

एंड uh, <laughs> नाम का तो नाम का तो यही मतलब है लाखों दिलों पे राज जरूर करेंगे सर uh, आपके गाइडेंस में चल रहे हैं आपके पदचिन्हों पे चल रहे हैं यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट मेनी मेनी इयर्स एंड आई आई थिंक करीब करीब 22 साल हो गए भूपेंद्र जी नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए जी तो सर अगला सवाल मैं आपका ऑडियंस का लेता हूं एक किसी का सवाल आ रहा है कि सर मैं बहुत सारी चीजें करता हूं लेकिन फिर भी मेरा अग्रेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है यानी मैं मैं गुस्सा बहुत ज़्यादा करता अपसेट बहुत ज्यादा रहता हूं बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता हूँ से से तो तो लेकिन लोग फेलियर से डील नहीं कर पाते देखो पैसा आपको मिलता ही तब है जब आप फेलियर को डील करना आ जाता है आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि टफ सिचुएशन में आप अपने आप को कूल uh, डाउन cool कैसे रखते हैं टफ सिचुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके करियर के अंदर आपके करियर को एक जरा आकार देने के लिए और आपके करियर को एक दिशा देने के लिए टफ सिचुएशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और एक वर्ड है क्रिकेट uh, में अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे या खेलते होंगे अगर आप शौकीन हैं क्रिकेट के तो देर इज अ वर्ड इन अ क्रिकेट कॉल्ड स्लेजिंग राइट जिसमें जो गेंदबाज आता है वो आता आता है बहुत ज्यादा कभी कभी बल्लेबाज को गालियां देना शुरू कर देता है वो आता है कभी कभी कुछ उल्टी सीधी बकवास करना शुरू कर देता है राइट right? उसका एक ही पर्पस होता है कि इसको डीफोकस किया जाए कि ये जो कंसंट्रेट कर रहा है बैटिंग के ऊपर ये कंसेंट्रेशन कैसे भी इसका टूटे और जैसी कंसेंट्रेट कंसेंट्रेशन टूटेगा मैं इसको बोल्ड कर दूंगा या मैं इसका विकेट निकाल लूंगा और मजे की बात तो ये कि आप किसी क्रिटिसाइज करने वाले को रोक नहीं सकते ये आपके हाथ में नहीं है कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती वो अपना काम कर रहा है बहुत ईमानदारी के साथ कर रहा है और यहाँ जहां तक स्लेजिंग की बात है तो मैं सबसे ज्यादा जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो सचिन तेंदुलकर है मैंने कभी सचिन तेंदुलकर को आउट ऑफ टेम्पर नहीं देखा मैंने कभी सचिन तेंदुलकर को स्लेजिंग का जवाब स्लेजिंग में देते हुए नहीं देखा मैंने हमेशा सचिन तेंदुलकर को स्लेजिंग का जवाब रन बना के देते हुए देखा है कि बॉलर कितनी ही गाली दे जाए सचिन तेंदुलकर के मुंह से मैंने कभी गाली नहीं सुनी बीस साल के अंदर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिएक्ट कभी ना करें आप रिस्पॉन्ड करें दोनों में बहुत फर्क है देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग टू एन एनी इवेंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग सीखें कि हमको रिएक्ट कभी नहीं करना हमको रिस्पोंड करना है जब आप रिएक्ट करते हैं तो 99% आप फेल होंगे ही होंगे जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो नाइन नाइन पॉइंट नाइन परसेंट चांसेज है कि आप पास हो क्या बात है? 99 so किसी भी एक्टिविटी को देखकर रिएक्ट करते हैं रिस्पॉन्ड नहीं करते Very बहुत true. बारीक सी लाइन है दोनों के बीच के अंदर और जब मैं छोटा था नया नया नेट मार्केटिंग में आया हर आदमी करता है तो मैं भी करता था मैं भी गाली देना शुरू करता था सामने वाला मुझे गाली देता था एक मैं बोलता था आप साल में तुझे तो चार गाली दूंगा मैं इतने ज्यादा गाली जानता हूँ और मैं तो हरियाणा से आया हूं तो मेरे पास तो ऐसी ऐसी गालियां हैं कि तू तो सोच भी नहीं सकता राइट तो बाद में धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ऐसा करके मैं उस आदमी को हरा देता हूं लेकिन सेल हार जाता हूं तो धीरे 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 मेच्योरिटी के साथ ये चीजें समझ में आ गई कि रिएक्शन कभी नहीं करना चाहिए रिस्पॉन्ड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रिस्पॉन्ड करना सीखना चाहिए एक हैबिट है जो धीरे 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 आप डेवलप कर सकते हैं अगर तो आप ऐसा कर सकें तो आप बहुत सारी लोगों की जो नेगेटिविटी आपके पास आती है जिसको आपको झेलना पड़ता है आप उसको बहुत आराम से बहुत स्मूथली ओवरकम कर जाते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि इसका आंसर अभी नहीं देना इसका आंसर कुछ करके दिखाना है क्या बात है सर सोनू सर यहां पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर कौन सा रहा और उसको आपने कैसे मैनेज किया उस समय किस तरह से गाइडेंस मिली उस समय क्या करके आप उस फेलियर से बाहर निकले जैसे मेरी जिंदगी के दो फेलियर सबसे बड़े थे एक तो मेरे ऊपर एक बार डेढ़ दो करोड़ का लोन हो गया था और बड़ा दो साल बहुत बुरे गए और एक था जब एक सिंगल डे में मेरी कंपनी के छब्बीस लोगों ने रिज़ाइन कर दिया और फिर मैं अकेला अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और वहां से वापस से शुरू किया तो आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा फेलियर है जो बहुत ही बड़ा फेलियर था अभी तो आई एम श्योर आपको भी वो छोटा लगता होगा लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा था और हाउ डिड यू ओवरकम दैट देखो एस एज एस अच कोई फेलियर तो मुझे ऐसा याद नहीं आता कि कोई बहुत ज़्यादा सेटबैक लगा हो फाइनेंशियली uh, uh, मतलब वो छोटे मोटे सेटबैक को मैं कोई बहुत बड़ा सेटबैक मानता भी नहीं हूँ कि कोई बीस लाख रुपए लेके भाग गया कोई पच्चीस लाख रुपए लेके भाग गया है, कहीं पैसा लगाया था वो डूब गया वो कोई बहुत बड़े फेलियर में गिनता नहीं हूँ हाँ मेरी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट टाइम uh, था आज से साढ़े साल सवा साल पहले जो एक बहुत टेंस था मेरे लिए जब मैंने अपना कंपनी स्विच ओवर किया फ्रॉम द प्रीवियस कंपनी टू दिस कंपनी वेर आई एम वर्किंग राइट नाउ तो वो एक बहुत सेंसिटिव मूव था लाइफ का और कभी कभी स, वो कहते हैं ना कि अच्छे और बुरे में डिसाइड करना हो तो बहुत आसान होता है लेकिन अच्छे और बहुत अच्छे में जब डिसाइड करना होता है तो कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है तो

हमको एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए मतलब फेलियर और लॉस पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है यार है ना मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ शायद आपके ऑडियंस को समझ में आ सके क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल आदमी हूं हो सकता है आपको स्पिरिचुअली कुछ समझा सकू कि भगवान श्री राम की जब शादी हुई थी ना भगवान श्री राम का जब विवाह हुआ और उनका जब राज्यभिषेक हुआ जिस दिन उनको राज्य पर बैठना था दोनों शुभ मुहूर्त देखकर ही किए गए थे लेकिन ना तो वैवाहिक जीवन सफल हुआ ना राज्य अभिषेक मतलब वो जो दुनिया चलाते हैं वो जिन्होंने दुनिया को अपने हाथ पे उंगली पे नचा रखा है उनकी जिंदगी के दो सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट थे एक तो उनकी शादी और दूसरा उनका राज्य अभिषेक दोनों में उनके जो गुरु थे उन्होंने बहुत शुभ मुहूर्त देखा होगा आज हम शादी करते हैं तो भी पंडित जी के पास चले जाते हैं कि भैया मुहूर्त देख लो कौन से में शादी करनी है कौन से में नहीं करनी कौन से में तारा डूबा है कौन सा नहीं डूबा ये बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं तो भगवान राम की जब शादी हुई और जब राज्याभिषेक हुआ तो, तो दोनों शुभ मुहूर्त में ही किए गए थे लेकिन ना तो शादी सफल हुई और ना राज्याभिषेक शादी सफल इसलिए नहीं हुई क्योंकि माँ का हरण हो गया माँ बनवास के दौरान और जब वापस आए चौदह साल बनवास बिताने के बाद तो माँ फिर चली गई जंगल में तो शादी भी सफल नहीं हुई राज्याभिषेक तो वैसे ही नहीं हुआ अब कभी कभी ना कुछ चीजें विधाता के हाथ में भी होती हैं तो घबराने का जरूरत नहीं होता कुछ चीजें ना राम बदल सके ना कृष्ण बदल सके तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं होती कुछ चीजें पार्ट एंड पार्सल है भगवान शंकर कहते महामृत्युंजय का मंत्र बहुत शानदार मंत्र है ऐसे कहते हैं कि मुर्दा भी जिंदा हो जाता है हम लोग पढ़ते हैं किताबों में आपने भी पढ़ा होगा महामृत्युंजय का जाप करो राइट और भगवान शंकर से निकला हुआ मंत्र है भगवान शंकर खुद अपनी पत्नी धर्मपत्नी सती जी की मृत्यु को नहीं टाल सके जिनके पास महामृत्युंजय का मंत्र से निकला हुआ है। तो ऐसा नहीं होता कि आपके साथ जो हो रहा है वो कुछ अलग हो रहा है और किसी के साथ जो हुआ है वो अलग हो रहा है भगवान भी इनसे बाहर नहीं है रामकृष्ण परमहंस अपने कैंसर को नहीं टाल सके रावण अपना जीवन नहीं बदल सका जबकि उसके पास समझ शक्तियां थी कंस अपना जीवन नहीं बदल सका जबकि पास उसके पास समझ शक्तियां थी तो मैं इतना ही जानता हूं और इतना ही मानता हूं कुछ चीज़ें कर्म से भी होती हैं आप किसान जब होते हैं तो किसान बहुत बढ़िया तरीके से फसल उगाता है बहुत बढ़िया तरीके से हल जोतता है बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ ठीक करता है सुबह पाँच बजे उठ जाता है पानी देता है फसल के अंदर राइट टाइम पर उसकी फसल खड़ी हो जाती है लेकिन नेचुरली होता क्या है कि जब फसल कटनी थी तो ओला पड़ गया बरसात हो गई भयंकर फसल तबाह हो गई किसान सवाल पूछता है कि मेरी गलती क्या है किसान पूछता है मैंने सब प्रॉपर किया यार मैंने तो टाइम से बीज लगाए टाइम से पानी दिया टाइम से मेहनत करी मैं मेरा पूरा परिवार मेहनत करता रहा लेकिन जब फसल काटने की बारी थी तो देखो ओला पड़ गया मेरी पूरी की पूरी फसल तबाह हो गई तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती आपके हाथ में नहीं है कुछ चीजें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कर्म कभी कभी बहुत प्रधान हो जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि महान लोग कभी भी अस्पतालों में पैदा नहीं होते वो सड़क पर ही पैदा होते हैं अस्पतालों में महान लोगों का जन्म नहीं होता वो अपना व्यक्तित्व को बेटर करके अपने आप को मैच्योर बना के रिस्पॉन्ड करके और बहुत सारी क्वालिटीज जिसको डेवलप करके वो मान बन सच सच क्वेश्चन आई मीन आंसर सर फॉर दिस वन क्योंकि वास्तव में दोस्तों हम में से हर एक आदमी चाहता है कि सब कुछ अच्छा हो जाए लेकिन कई सारी चीजें नहीं होती एंड uh, सोनू सर ने बहुत अच्छे से समझाया ये कि भगवान राम के भी सब कुछ मुहूर्त के हिसाब से हुए फिर भी कई चीजें अच्छी नहीं हुई

ये रिमार्केबल ये बहुत। मेरे गुरु से एक छोटा सा स्टेटमेंट आया था सर कि वेन यू सपोर्ट वर्ल्ड सेल्फलेसली परमात्मा ब्रह्मांड सारी ताकतें लग जाती है आपको सपोर्ट करने में तो शायद हो सकता है थोड़ा सा की। गुरु ने कहा, गुरु का आदेश था तो करना शुरू कर दिया है सर एक सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं और उसका जवाब मैं नहीं दे पाता क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ नहीं

आर्ट है और नेटवर्क मार्केटिंग में एक टीम बनाना एक दूसरा आर्ट है बिजनेस में जो आप टीम बनाते हैं वो आपके पे रोल पे होते हैं लोग लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप टीम बनाते हैं वो कोई भी आपके पे रोल पे नहीं होता तो दोनों को टैकल करने के तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सेंसिटिव है क्योंकि कोई आपकी नौकरी नहीं कर रहा राइट बहुत सेंसिटिव है मतलब एक बहुत ही महीन सी रेखा है आपने जरा सा भी गलती की तो आप सीधा खाई से नीचे गिर जाते हैं नेट मार्केटिंग में टीम बनाना एक अलग आर्ट है एक अलग और टीम बनाना नहीं टीम बना के रखना दोनों अलग अलग, अलग चीजें हैं बहुत सारे लोग बना लेते हैं बनाना फिर भी आसान काम होता है लेकिन बनाए रखना इट्स अ टफ जॉब और उसमें बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटी चाहिए बना के रखने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज तो मैं यहाँ पर अभी इतना टाइम में तो मैं नहीं बता पाऊंगा एक ही बात बताना चाहूंगा कि जब आप अपनी टीम के बारे में पहले सोचते हैं तो टीम बनी रहती है लेकिन जब आप अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं तो टीम रहती नहीं क्योंकि जब आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो जीत जाता है ऐसा नहीं कि वो नहीं जीतता ये तो कहना ही गलत होगा कि वो अपने बारे में सोचता है तो जीतता नहीं है जब आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो वो जीत जाता है लेकिन एक दिन हार जाता है लेकिन जब लोग नीचे वालों के बारे में सोचता है नीचे वालों को जिताने के बारे में सोचता है तो वो जीतता है और जीतता रहता है और कभी हारता नहीं है दोनों में बहुत फर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में आपके सब ऑडियंस को बता देना चाहता हूं कि जब आदमी सिर्फ अपने पे आउट अपने चेक अपनी इंसेंटिव अपनी अर्निंग के बारे में सोचता है तो वो एक दिन हार जाता है लेकिन जब वो अपने टीम के लोगों के, के गोल्स के के उन सब के बारे में सोचता है तो कभी नहीं हारता। तो जिताना शुरू करें अपनी टीम को लेकिन हाँ ये सोनू सर ने जितना आसानी से कह दिया उसको सीखने में और उसको अपने अंदर लाने में उतना ही ज्यादा काम करना पड़ता है तो सोनू सर ये सारी चीजें ऐसे सुनने से आ जाती है या इनके लिए प्रॉपर तरीके से आदमी को छह महीने साल बर, दो, साल साल भर उसके उसके लिए आ, उसके लिए मेरा ट्रेनिंग के लिए कुछ पैसा मुझे मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन खुद के अंदर कौन कौन से पंद्रह स्किल दस स्किल पांच स्किल मैं लेके आऊं जिससे कि मेरी सफलता की चांसेस बढ़ जाए बहुत गुना यार देखो मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि वो जो Uh, क्या बोलते हैं भूख और जिद होती है ना hmm. ये सबसे बड़ी स्किल होती है भूपेश भूपेंद्र सॉरी क्या ये जो भूख और जिद होती है ना ये सबसे बड़ी स्किल होती है और ये सीखी नहीं जाती hmm. मतलब आप, आपको भूख लगेगी कैसा सीख लेंगे कि मुझे भूख लग जाए hmm. ये तो ऐसा कोई कोई क्लास है नहीं ना जहां पर आप भूख लगना सीख सकें जिद्दी बनना सीख सकें ऐसा कोई को, कोई कोच मैंने तो देखा नहीं आज तक जो आपको जिद्दी बना दे वेरी ट्रू और वो पुरानी कहावत है ना कि शराबी को ड्राई एरिया में छोड़ दो तो शाम को पिया मिलेगा तो शराबी जब अपने ड्रीम्स फुलफिल कर लेता है तो उसके पास कौन सी स्किल होती है आप बताओ उसको किसी ड्राई एरिया में छोड़ दो राजस्थान राजस्थान के किसी डेजर्ट में छोड़ दो आप उसको ना उसके पास पैसे हो ना उसको ठेके का पता हो शाम को आठ बजे नौ बजे आपको सेट मिलेगा वो कहाँ से लाता है क्या करता है साला समझ नहीं आया अपने को भूख और जिद है ना ये सबसे बड़ी स्किल है अगर आदमी के अंदर ये है तो और कोई स्किल मुझे लगता नहीं इसको सीखने सीख तो so सभी लोगों को ये सवाल का आंसर दिल छू गया होगा आई एम sure. श्योर नीचे लिख दीजिए आई लव इट आई लव इट और नीचे लिख दीजिए आई लव यू सोनू सर आई लव यू सोनू सर सो ब्यूटीफुल सर आई मीन दोस्तों यही होता है ये सोनू सर की मुझे यही बात सबसे अच्छी लगती है कि वो जो बात करते हैं वो डे टू डे एग्जाम्पल से करते हैं और स्पिरिचुअल रेफरेंसेज बहुत हैं इनफैक्ट मैंने सर की दो तीन कहानियां सुनी थी जो हनुमान जी के बारे में वो बहुत अच्छा बात करते हैं कि हनुमान जी जिस तरह से आ, जीवन जिया उन्होंने उसके उससे एक बहुत ही सक्सेसफुल वीडियो है सर मैं थोड़ा उसका एग्जैक्ट स्टोरी भूल रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे आपसे सवाल है जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर यहाँ कि आपके पीछे काफी सारी किताबें दिखाई दे रही है उनमें से कौन सी आपकी सबसे फेवरेट किताब है और ये ये मैंने मैंने सिर्फ ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए लगाई है मैं आपके हिसाब आपके से अगर एक किताब आप रेकमेंड करना चाहें लोगों को तो विच वन अपनी मिठाई को सबसे बढ़िया बोलता है मेरी ही किताब बताइए आप मेरी वेबसाइट पर जाके मेरी किताब बाय कर सकते हैं बहुत सस्ती सुंदर टिकाऊ किताब टीम कैन कैन यू यू प्लीज ब्रिंग सोनू बुक ओवर देयर सो दैट वी ऑल कैन शर्मा डॉट इन पे जाएं और एक्चुअली किताब क्या है मेरी वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने मैंने स्टेज पर पिछले बीस साल में जितनी स्टोरीज शेयर करी थी लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि आपकी स्टोरीज कहाँ से आप लाते हो इतनी अच्छी अच्छी कहानियां जो आप सुनाते हैं ये कहाँ से लेके आते हैं जी तो हमने कहा यार ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है तो हमने इसको कंपाइल कर दिया और जितनी सफल स्टोरीज थी वो हमने उस किताब के अंदर कंपाइल करके डाल दी तो वो किताब में सारी सिर्फ शानदार स्टोरीज हैं कि कोई भी आदमी अगर स्टेज पे जाना चाहता है तो स्टेज पे जाए पंद्रह मिनट वो किताब पढ़ ले उसके बाद दस किता दस कहानियां होंगी सुनाने के लिए और आदमी कहानियों से रिलेट कर लेता है तो सर ऐसी कोई एक प्यारी कहानी इस समय जो हमें मिल सके जो हमारी लाइफ में मतलब क्या होता है कि जब स्पेशली कोई कहानी सुनते हैं जैसे आप इस प्रोग्राम में आए हैं तो इस प्रोग्राम के जितने भी ऑडियंस हैं उनको उन्होंने भी आपकी कई सारी कहानियां सुनी है मैंने भी सुनी है लेकिन एक कहानी ऐसी जो इस समय आप बताना चाहें जो कि शायद इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए एप्ट हो और बहुत ही मजेदार हो कहानी बड़ी सिंपल है कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से पूछा क्या मैं आपके सपने में आती हूँ एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से पूछा क्या मैं आपके सपने में आती हूँ तो हस्बैंड ने बोला नहीं तो वाइफ ने बोला वाई तो हस्बैंड ने बोला क्योंकि मैं रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ कि भूत प्रेत निकटना हमें महावीर जब नाम सो 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 ब्यूटीफुल 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 सर दोस्तों आप में से किसी के कि... मैं मजाक कर रहा हूं मेरी किसी इन बातों को ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा कि कई लोग सोच रहे हो कि यार ये तो ऐसा कुछ नहीं है जिस जस्ट अ जोक सिर्फ़ एक मजाक है हाउ सेशंस का भी उन्हीं का मजा आता है जहां हंसते हंसाते बहुत सारी बातें बता दी जाए बहुत सारी बातें सिखा दी जाए एंड सो ब्यूटीफुल लवली एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों आप में से कई लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे एंड uh, सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन इतनी स्पीड से आ रहे हैं यूट्यूब पे कि मैं वो सारे सवाल पढ़ नहीं पा रहा हूं सो आई है दो तीन क्वेश्चन उन्होंने भेजे हैं मुझे जस्ट मोमेंट सर सर जी आपके हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे इस सवाल का जवाब दिया जाए नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा कैंप लगाकर कैसे प्रोडक्ट बेचें प्लीज अब ये नेटवर्क मार्केटिंग का आ, सवाल है सर एंड तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केट ये तो मैंने पूछ लिया आपसे और किसी काम को कैसे कंसिस्टेंसी से करें यह दो सवाल है सर कि कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचे और देखो एक तो ना आप लोग सब फ्री में पूछना चाह रहे हो मेरा ट्रेनिंग है उसको अटेंड करो बारह जून को ना कहा, कहा है सर? You can share the details, सर. मेरा बारह जून को ट्रेनिंग है जयपुर जयपुर के अंदर। wow, so जून को मेरा में ट्रेनिंग है उसकी डिटेल्स मेरी के ऊपर है थोड़ा पैसा दो मैं अच्छे से <laughs> so beautiful. Uh, दोस्तों... नहीं मैं मैं आंसर दे देता हूँ वैसे आप ट्रेनिंग में आए मोस्ट वेलकम ना आए तो भी ऐसा कोई वो नहीं है हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं ट्वेल्थ जून जयपुर के अंदर और करीब करीब दो हजार लोगों का प्रोग्राम है अभी दो दिन पहले ही मेरा प्रोग्राम था त्यागराज स्टेडियम में दस हजार लोगों का वाओ अभी हम इंडिया टूर कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग, अलग शहरों के अंदर अलग अलग, अलग, अलग प्रोग्राम है awesome. तो भी नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारा स्टेप वो जयपुर में है बारह जून को मेरा चार घंटे का एक फायर पैक प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे लेकिन आपने ये जो आपके भाई साहब ने सवाल पूछा था कि कैंप लगा के प्रोडक्ट कैसे बेचें उसका जवाब मैं दे देता हूँ तो जिस भी भाई साहब ने ये सवाल पूछा था मैं आपको बता दूं बहुत दुख के साथ आपका सवाल ही गलत है <laughs> क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दोस्त सामान बेचने का बिजनेस ही नहीं है रिलेशन बनाने का का बिजनेस बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेचने नहीं है जो लोग लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है वो अभी भी आ, सही ट्रेन नहीं पकड़े हैं यार नेटवर्क मार्केटिंग ना तो सामान बेचने का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग ना लोगों को जोड़ने का बिजनेस है ना नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग अटेंड करने का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में 90 परसेंट लोगों से पूछेंगे तो सब लोगों को अलग अलग लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सामान बेचने का बिजनेस है लोगों को जोड़ने का बिजनेस है ये करने का बिजनेस है वो करने का बिजनेस है मैं आपको बता देता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक काम का बिजनेस है लीडरशिप डेवलपमेंट दैट्स इट अंडरलाइन लीडरशिप डेवलपमेंट अंडरलाइन नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ न्यू लीडर्स क्रिएट करने का बिजनेस है अगर आप न्यू लीडर्स क्रिएट कर रहे हैं तो आपके पास किसी चीज की जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर आप प्रोडक्ट ही बेचते रहे तो जिंदगी भर एक्टिव अर्निंग लेते रहेंगे पैसिव अर्निंग आपके नसीब में कभी नहीं आएगी माल बेचेंगे तो पैसा आएगा माल नहीं बेचेंगे तो पैसा नहीं आएगा और माल बेच के ही पैसा कमाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग की करने की जरूरत नहीं है फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको बेच के आप पैसा कमा सकते हैं सबसे बड़ी रियल एस्टेट है रियल एस्टेट बेचिए बहुत पैसे हैं माल बेच के पैसा कमाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग मत करिए नेटवर्क मार्केटिंग करने का मजा ही तब है जब आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन जीरो हो और आपकी इनकम अनलिमिटेड हो ग्रेटिबल तो है जब आप लीडरशिप बिल्डिंग करते हैं अपने नेटवर्क में तो दोस्तों लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए आपको अपनी पर्सनालिटी अपने आप का बात करने का तरीका लोगों को समझने का साइकोलॉजी और बहुत सारी चीजें आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी आज से शुरू करेंगे तो शायद तीन चार साल पांच साल की मेहनत लगेगी ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है Am I right, Sonu, सर? बिल्कुल बिल्कुल और हिंदुस्तान में तो हमारे यहाँ जो लोग हैं ना बहुत शानदार हैं तो Correct. वो शॉर्टकट चाहते हैं कि पैसा कमाने का शॉर्टकट कैसे मिल जाए कैसे मैं तुरंत तुरंत पैसा कमा लू ऐसा होता नहीं है यार एब्सोल्युटली सर सर एक सवाल जरूर मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा गर्ल्स के लिए बेस्ट बिजनेस प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है

जहाँ पर आज सोशल मीडिया के ज़माने के अंदर डिजिटल मीडिया के ज़माने में उनको घर से बाहर निकले बिना भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अर्निंग कर सकते हैं आपको घर से बाहर कहीं जाना नहीं आया अब वो ज़माना चला गया जब आप मीटिंग करने के लिए घर से बाहर निकलती थी और लोग पूछते थे कि यार वो लेट नाइट कैसे करेंगे हम काम हम तो घर से बाहर नहीं निकल सकते वो टाइम ख़त्म हो गया आपके पास एक मोबाइल फोन और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए दैट सेट आप घर बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं जमाना डिजिटल हो चुका है बहुत कुछ बदल चुका है काम करने का तरीका जो नेटवर्क मार्केटिंग का था वो 360 डिग्री पे बदल गया है जो लोग आज भी पुराने ढर्रे से बिजनेस कर रहे हैं वो बैलगाड़ी के युग में जी रहे हैं उनको अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए उनको तुरंत बदल जाना चाहिए एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ कि अब नेटवर्क मार्केटिंग का एक नया स्टाइल है काम करने का और कोविड एक तरीके से ब्लेसिंग था इस इंडस्ट्री के लिए पर्सनल जगह पे बहुत सारे लोगों का पर्सनल लॉस हुआ लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए कोविड एक ब्लेसिंग था और वो लोगों को बता गया कि आप अपने घर के एक दस बाय दस के कमरे में बैठ के पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहां जहां ये बिजनेस चल रहा है आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं आपको घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है थैंक यू सो मच सोनू सर जाने से पहले लास्ट सवाल आपसे आपका ऐसा कोई मंत्र जो लास्ट मंत्रा हो और हमारे लिए सबसे मीनिंगफुल हो जो हमारी सबकी जिंदगी में खुशियां ला सके उजाला ला सके सक्सेस ला सके मेरा एक ही मंत्र है यार वो गाना दोहराते रहिए कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है क्या ना देखो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना क्या मेरा एक ही मंत्र है जीवन का कि लोगों की परवाह मत करना और बड़ी इंपॉर्टेंट बात भूपेंद्र जी आपके चैनल पर मैं बता देता हूं कि जीवन के अंदर रिश्ते कैसे बनते हैं कैसे बनाए जाते हैं कैसे संभाले जाते हैं इसकी सलाह आप अपने घर से जरूर लें मैं रिपीट करता हूं अंडरलाइन रिश्ते कैसे बनते हैं कैसे बनाए जाते हैं कैसे संभाले जाते हैं इसकी सलाह आप अपने घर से जरूर लें बिजनेस कैसे करना है इसकी सलाह अपने घर से कभी ना लें लोग उल्टा करते हैं

थैंक यू सो मच सोनू सर इट्स प्रविलेज हम सबका ये सौभाग्य है कि आप इस चैनल पे आए एंड uh, इतनी सारी बातें हम सबके साथ शेयर की एंड डेफिनेटली दोस्तों जयपुर में ज्वाइन ज्वाइन करें करें इंडिया टूर में सोनू सर को आप करें. बहुत सारी विजडम है अगर आप 10 मिनट भी साथ बैठेंगे आमने सामने बैठेंगे तो आपको लगेगा हर एक वर्ड हर एक सेंटेंस आपके लिए मिलियन डॉलर का हो सकता है इनफैक्ट ये इंटरव्यू में भी अगर ये छोटा सा मंत्र भी आपने अपने जीवन में उतार लिया है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना I think, ये छोटी चीजें हैं हंसी हंसी मजाक में आधे घंटे में कम से कम दस मिल हैं, सीखने वाले के लिए एक लाइन काफी है उसकी जिंदगी बदल सकती है आपको, दे, दे, आप आपको दीर्घायु प्रदान करे खुश रहे मुस्कुराते रहे और हंसते रहे लास्ट में मैं अपनी तरफ से भी एक बात बोल देता हूँ आपने बहुत सारे सवाल मुझसे पूछ लिए में अपनी तरफ से भी एक बात बोल देता हूँ सब लोगों को जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं लाइव मुस्कुराते रहिए हंसते रहिए जब कोई बात मिले तो बात पे हंसे ना मिले तो बिन बात पे हंसे हंसते रहिए इतना हंसी कि लोग बोले ये लोग पागल हैं क्या किसी बात पे तो दुनिया हंसती है बिन बात के क्यों हंसते हैं तो मैं आप सब ऑडियंस को एक बार बता देना चाहता हूं खूब मुस्कुराइए हंसते रहिए जीवन कठिन है अगर जिंदगी में और उदास रहे तो और मुश्किल हो जाएगा इस कठिन डगर में मुस्कुराते हुए निकलेंगे तो जीवन कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा मुस्कुराते रहिए खूब हंसीे खूब ठाके लगा लगा के हंसीए बात मिले तो बात पे हंसिए नहीं मिले तो बिन बात पे हंसिए लेकिन हंसते रहिए सो ब्यूटीफुल ग्रेट जरूर मुलाकात होगी जल्दी sure, so, so much, you, Sonu, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी नीचे लिख दीजिए वी लव यू सोनू सर वी लव यू दोस्तों बहुत सारी चीजें आपने सीखी एक एक चीज अगर आप देखें सबसे बड़ी चीज अगर मैं इस पूरे आधे घंटे की बात करूं तो भूख एंड जिद एंड लिटरली भूख और जिद के बिना कौन बड़ा बना है सोचिए तो सही कौन बड़ा बना है भूख और जिद के बिना नो बडी जो आदमी छोटे सवाल पूछ रहा है मैं कैसे करूं लीडरशिप टीम कैसे बनाऊं या मैं कैसे अपनी टीम बेचूं या प्रोडक्ट बेचूं अरे आपके अंदर भूख ही नहीं है तो बेचोगे कैसे मेरे भाई भूख तो होनी चाहिए ना भूख नहीं है तो बेचोगे कैसे और भूख लाने के लिए आप सुन रहे हो और सोनू सर ने एक और बहुत प्यारी सी चीज कही हजार गुरु नहीं काम करेंगे जो सबकी सुनता है वो भी बेकार जो एक की सुनता है वो 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 जो जो नहीं सुनता है, वो भी बेकार एक की सुन लो दो की सुन लो तीन की सुन लो लेकिन फॉलो द लिमिटेड पीपल एंड मेक श्योर आप उनकी एक एक चीज मेरे मुंह से आपने हजारों बार मेरे गुरु का नाम सुना होगा नित्य शांति से मैंने ये सीखा नित्य शांति से दस बारह साल से छोड़ा ही नहीं है उनको 2008 में जब मिले तब से अभी तक पकड़ा हुआ है और आगे भी पकड़ा हुआ रहूंगा जिंदगी भर क्योंकि जरूरत नहीं है पांच की क्योंकि सभी तरफ से एक ही चीज आएगी बार बार कि भैया हेल्प करो लोगों को स्माइल करो मेक श्योर सोनू सर ने अभी कहा स्माइल करो नित्य से होल्ड द लाइफ लाइटली जो आपको रेजोनेट करे जिससे आप कनेक्ट हो जाएं जिससे आप ज्यादा वैल्यू पा लें बस वही आदमी आपके लिए राइट गुरु है संगत आदत गुरु ये तीनों चाहिए आपकी जिंदगी बदलने के लिए संगत आदत एंड गुरु दोस्तों कहां खोए में जिंदगी की कमांड एक बार में ले लीजिए जिंदगी इतनी लंबी नहीं है मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था मेरे ऑफिस में लगा हुआ था जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि हम और आप सारी गलतियां कर सके और उनसे सीख सके हैं जिंदगी छोटी है मेरे भाई जिंदगी छोटी है इसीलिए विद्वान आदमी वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है या दूसरों के सिखाए से सीख लेता है कहा जाता है दोस्तों जो बताने से जो सुनने से जो समझने से जो देखने से बदल जाए वो इंसान जो कहने से जो एक बार कहने से बदल जाए वो इंसान जो हजार बार सुन सुन के हजार बार जिसको बोला जाए फिर भी ना बदले वो जानवर है तो सब गीता कहती है कि इंसान और जानवर में कोई खास फर्क ही नहीं है इंसान और जानवर तो सेम चीजें कर रहे हैं सारी सेम चीजें हैं हम भी खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं आप कहोगे नहीं नहीं सर हमने इतने सारे आविष्कार कर दिए राइट वो तो ठीक है आपको भगवान ने थोड़ी सी बॉडी वैसी दे दी तो आपने बहुत सारे वो आविष्कार कर दिए बोलते इंसान और जानवर में एक ही डिफरेंस है इंसान समझ सकता है चीजों को समझने से कोई दूसरा समझाए या सिचुएशन समझाए उससे पहले वो समझ सकता है उससे पहले वो जाग सकता है और उसके बेस पे अपनी ऊंचाई खुद तय कर सकता है आपको पता है एवरेस्ट फतेह करने से पहले एडमंड हिलरी बहुत तैयारी कर रहे थे और किसी ने नहीं सोचा था दुनिया में कि यार कैसे एवरेस्ट जैसे पहाड़ से चुनौत मतलब यू नो दो हाथ किए जाए वो एवरेस्ट में चढ़ने के लिए निकलता रोज फेल हो जाता फिर निकलता फिर फेल हो जाता कम से कम दो तीन महीने तक वो फेल होता रहा एक दिन वो अपने कैंप से बाहर निकला एवरेस्ट को देखता है और कहता है एवरेस्ट तू पहाड़ है तू पहाड़ है। और तेरी ऊंचाई जो है ना वो लिमिटेड है लेकिन मैं इंसान हूं और मैं चाहूं जितना ऊंचा पहुंच सकता हूं तो मैं आ रहा हूं आज फिर से तेरे लिए आज फिर से तुझ पे चढ़ने के लिए दोस्तों वास्तव में मैं मैं जब माउंटेनियरिंग के कैंप में गया तो वहां पे मैंने पहले दिन एक कैलेंडर देखा और उस कैलेंडर पे लिखा हुआ था उस कैलेंडर पे लिखा हुआ था सफलता 98% परसेंट ऑल्टीट्यूड सॉरी 98% परसेंट एटीट्यूड है और सिर्फ दो परसेंट ऑल्टीट्यूड है माउंटेनियरिंग में यही चढ़ाया जाता है सिखाया जाता है कि कैसे आप आ, माउंटेन्स पे चढ़े एवरेस्ट जैसे माउंटेन पे पे कैसे चढ़े क्या-क्या करना है तो बोलते हैं कि एवरेस्ट एवरेस्ट की हाइट ना लोग ओ attitude. Attitude. आप में से हर एक आदमी को वो एटीट्यूड चाहिए और आज हमने सभी ने सीखा लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज दोस्तों लें उसको अपनी जिंदगी में उतार लें आप इस प्रोग्राम में इतनी सारी और आप में से कई लोग हो सकता है नए आए जो भी लोग नए इस पूरे प्रोग्राम प्रोग्राम 28 दिन का ये प्रोग्राम है वादा करता हूं पूरा देख लीजिए आपको आपकी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सभी के सोल्यूशन मिल जाएंगे सोनू सर ने अभी कहा लीडरशिप डेवलपमेंट लीडरशिप डेवलपमेंट तो तब कर पाओगे हजार लाख लाख लोगों का माइंड आपको डील करना है सदगुरु से पूछा गया सर लीडरशिप डेवलपमेंट कैसे करूं सदगुरु ने कहा लीडरशिप मतलब हजार लोगों का माइंड को कंट्रोल करना हजार लोगों को कंट्रोल करना हजार लोगों को डेवलप करना एम आई लेकिन अगर आप अपने माइंड को डेवलप नहीं कर रहे अपने आप को नहीं समझ पा रहे तो आप हजार लोगों को कैसे करेंगे तो दोस्तों लीडरशिप डेवलपमेंट इज आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्फ डेवलपमेंट पहले खुद डेवलप हो जाओ लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब्दुल कलाम साहब जहां जाते थे लोग सरेंडर हो जाते थे क्योंकि जानते थे कि यार इस इंसान ने इतनी मेहनत करी है इतना ज्यादा विजडम पैदा किया है इतना ज्यादा इस इंसान ने अपना काम किया है काम को शिद्दत की है काम काम को पूजा की है कि इसके सामने मैं क्या बोलू उन्होंने तो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई कई लोगों के लिए तो लीडरशिप इज ऑल अबाउट यू टेकिंग योर पर्सनैलिटी टू द हाइएस्ट लेवल आप अपने अंदर इतना ज्यादा डेवलपमेंट ले आए कि आप में से हर एक आदमी कहे यार मजा आ गया दोस्तों दिस इज लीडरशिप लीडरशिप के लिए ये सबसे पावरफुल प्रोग्राम है 28 डेज का एंड फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं दोस्तों 28 डेज तक फ्री प्रोग्राम <coughs> बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोग्राम और इसमें एक भी दिन अगर आपको कमजोर लर्निंग मिली हो तो मुझे बताइएगा मैंने अभी तीन चार दिन पहले एक फ्री प्रोग्राम अटेंड किया दो दिन का टाइम हमें दिया गया था सुबह दस बजे से बजे तक का दोनों दिन एंड यू नो वॉट पंद्रह मिनट की लर्निंग और बाकी पूरे दिन फ्री भी नहीं था वो प्रोग्राम आई थिंक तीन हजार दो दिन के प्रोग्राम में सिर्फ आधे आधे घंटे का लर्निंग पूरा बाकी के टाइम बेचना 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 चालू आगे के प्रोग्राम दोस्तों आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग इन दिस प्रोग्राम टू यू हाँ मैंने दो चीजें आपको रेकमेंड की है एक तो मेरा हैप्पीनेस रिट्रीट हो रहा है वो आप में से हर एक व्यक्ति जो भी डिप्रेशन टेंशन प्रॉब्लम चैलेंजेस तकलीफ नेगेटिविटी इमोशनल ट्रॉमा या आप अपने माइंड का कंट्रोल नहीं ले पा रहे रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे जैसे सोनू सर ने कहा रिस्पॉन्ड करो यार सिचुएशन को रिएक्ट मत करो लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो बहुत ज्यादा टेंशन में हो ओके okay? एंड ना नहीं भी हो लेकिन आपको लगता है कि आपके घर में जितनी हार्मनी है उससे ज्यादा लानी चाहिए आपको जीवन को और समझना चाहिए तो हैप्पीनेस रिट्रीट क्योंकि कई चीजें है ना फिजिकली फेस टू फेस मिलने से ही मैं आपको दे पाऊंगा दोस्तों वो लिमिटेशन है मेरा कि हर चीज नहीं हो दी जा सकती यहां पे मैंने आपको ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन यहां पे करवाई आप मेरे साथ फिजिकली कभी करना एक एक आदमी एक एक आदमी आधे पौन घंटे जब मेरे साथ वो मेडिटेशन करेगा ना आपकी आंखों आंखें नम हो जाएगी आपको रियल में पता लगेगा कितने रिच थे यार आप कितने रिच हो आप और आपने इतनी मिलियन डॉलर रिचनेस को खो दिया है तो इसीलिए दोस्तों हैप्पीनेस रिट्रीट क्योंकि कुछ चीजें और बहुत ही कम लोग आ सकते हैं हैप्पीनेस रिट्रीट में क्योंकि हम चाह के भी एक नंबर डेढ़ सौ से ज्यादा सीट्स वहां बुक ही नहीं कर सकते द रीजन इज बिकॉज होटल में ही मैक्सिमम कैपेसिटी उतने लोगों की है सो मेक श्योर दैट आप सत्ताईस अट्ठाईस उन्तीस तारीख को और लास्ट एक या दो दिन और रजिस्ट्रेशन चलेंगे उसके बाद हम लोग नहीं ले सकते बिकॉज आई थिंक सीट्स आर अबाउट टू गेट फुल एंड उसके बाद पांच दिन तो हमें तैयारी के लिए भी चाहिए सो so अगर आपने नहीं किया रजिस्ट्रेशन हैप्पीनेस रिट्रीट के लिए तो आप जरूर कीजिए और दूसरा रेकमेंडेशन मेरा है हाईएस्ट रेकमेंडेशन है मेरा कमांडो ट्रेनिंग लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन आपको पहले नहीं करना है उसमें आपको एक तारीख और दो तारीख का ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको अटेंड करना है सुबह पांच बजे उठ के साढ़े बजे तक लाइव अटेंड करना है जैसे अभी लाइव आप अटेंड कर रहे हैं और उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी अगर आपने दो दिन देख लिया सीख लिया समझ लिया और 90 दिन का कमिटमेंट देने को तैयार है 90 -91 का रूल है। नब्बे दिन 90 मिनट रोज सुबह एक चीज पे काम होगा आपके माइंड पे आपके थॉट प्रोसेस पे आपकी हैबिट पे आपकी पर्सनालिटी पे आपके कैरेक्टर पे कैरेक्टर बिल्डिंग का आई थिंक सबसे पावरफुल प्रोग्राम इस समय इस धरती पर है इतना कॉन्फिडेंस है मुझे उस प्रोग्राम पे

एक वेबिनार है सेल्स के ऊपर अगर आप में से कोई भी सेल्स में पावरफुल बनना चाहता है कल रात को जुड़े नौ बजे कोई अगर हमारे ब्रेक अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहता है तो फ्राइडे को वेबिनार है कोई हमारा एक डेढ़ लाख रुपए का प्रोग्राम है हमारा डेढ़ दो लाख रुपए का मिलियोनियर इन एक्शन और आप उसमें जुड़ना चाहते हैं ताकि लॉन्ग टर्म मेरे साथ फिजिकल भी मिल सके और बहुत सारी चीजें कर सके तो उसके लिए वेबिनार इक्कीस तारीख को है अगर आप चाहते हैं कि आप में से कोई भी ऐसा इंसान जो कि आप में ऐसे बिजनेस को या स्टार्टअप को बढ़ाना चाहता है तो 22 तारीख को वेबिनार तो होते हैं मेरे ऐसे वेबिनार लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम क्वालिटी की लर्निंग वो भी मुफ्त में देने के लिए है। आप ऐसे कई लोग नहीं जाएंगे किसी और प्रोग्राम में इट्स ओके आई हैव नो एक्सपेक्टेशन कि ऐसा नहीं है कि आप दस हजार लोग पंद्रह हजार लोग पचास हजार लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप सबके सब मेरे किसी प्रोग्राम में जाएं उसमें से हजार लोग दो हजार लोग डेढ़ सौ लोग पांच सौ लोग जितने जाते हैं गुड इनफ आई डोंट माइंड वो भी अगला वेबिनार अटेंड करने के बाद इसमें तो कुछ भी सेल नहीं है और ना करेंगे दोस्तों क्योंकि ये वर्ल्ड है हमारा वेन यू सपोर्ट द द वर्ल्ड सेल्फलेसली होल यूनिवर्स दर्ल्ड यू एंडलेसली और मैं कहता हूं ये दिन का प्रोग्राम का प्रोग्राम अगर एक एक लर्निंग आपने चार्ट लिया रिपीट कर लिया रिवाइज कर लिया अपने अंदर इसको उतार लिया तो लाइफ कैन चेंज 360 डिग्री <coughs> दोस्तों आप सभी ने मेरे को कल ब्लेसिंग दी थैंक यू सो मच दोस्तों आई एम आई एम फीलिंग दैट आई एम रियली हील्ड बट मैं कल सुबह का एक मेरेकल मॉर्निंग का प्रोग्राम नहीं करूंगा परसों सुबह मेरेकल मॉर्निंग के प्रोग्राम में आप जुड़िएगा मैं आपको सिखाऊंगा फॉरगिवनेस मेडिटेशन ताकि आप में से हर एक आदमी कई सारे बंधनों से छूट सके जो कि हमने बताया था कि आप आप जनरली क्या करते हैं आप तो दो मिनट आज मेरा और कोई प्रोग्राम नहीं है तो थोड़ी सी देर और आप रुकिए मेरे साथ क्योंकि काफी सारी चीजें Uh, हमने जो सुबह से सीखी है, इतने दिनों से सीखी आज अट्ठारहवा दिन है अट्ठाइस दिन के प्रोग्राम का अट्ठारहवा दिन आज दस दिन बचे हैं सिर्फ उसके बाद आई मीन इट्स 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 नॉट ईजी दोस्तों लिटरली आई एम यू नो सोनू शर्भी अभी यही कह रहे थे कि इट्स नॉट ईजी अट्ठाइस दिन खड़ा रह के रोज ये प्रोग्राम करना इट्स नॉट ईजी दोस्तों आई एम नॉट से एम डूइंग समथिंग ग्रेट लेकिन आई एम सेंग यस इट इज समथिंग यूनिक समथिंग डिफरेंट समथिंग माइंड ब्लोइंग इतनी लर्निंग फ्री में इस लेवल पे देना की कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है एक एक घंटा हमारे लिए आज की डेट में लाख लाख रुपया लेके हमारे अकाउंट में आता है एक घंटे का लर्निंग इसी की जगह अगर मैं सिर्फ पचास लोगों को पढ़ा रहा होता है या सौ लोगों को पढ़ा रहा होता है और पांच पांच हजार रुपए की फीस ले रहा होता ना तो भी पांच लाख रुपए होता है तो दैट इज वाई आई एम सेइंग दिस इज समथिंग यूनिक विच आई एम डूइंग आई एम सो इंस्पायर्ड बाई नित्य शांति और उनके एक सेंटेंस से तो आपको उन्हें धन्यवाद देना है आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूं जिसके थ्रू ये चीजें फ्लो हो रही है एंड ऑल दीज स्पीकर पता नहीं शायद पुराने जन्म के कर्म अच्छे होंगे जिसके कारण हम लोगों को ये मौका मिला जिसके कारण हम ये काम कर पा रहे हैं सो so, कल आ रहे हैं दीपक बजाज सर कल आ रहे हैं दीपक बजाज सर तो कल का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही जोरदार है सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा शाम को साढ़े सात बजे से इट्स गोइंग टू शिफ्ट योर लाइफ फॉर श्योर ओके यू विल विल लव लव हिम हिम यू वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ अगेन पर्सन मतलब ऑल पीपल बीन फॉर दिस प्रोग्राम मतलब सभी के सभी मैंने देखा है इतने हम्बल पहली बार ऐसे मिला तो मतलब जो होता है ना जनरली ईगो होता है कई लोगों में कि मैं तो करोड़ों लोगों को फॉलो करता हूं और होता है कुछ ऐसे स्पीकर्स भी है जो कि मतलब इतना ईगो मुझे दिखा मिलने के बाद उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा बिकॉज वी आर नॉट हियर टू You know, किसी की इमेज डाउन करने के लिए हम लोग नहीं है चलिए दोस्तों तो मैं आपको बता रहा था कल एक कॉन्सेप्ट के लिए लेकिन आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको हमने कहा था कि कंप्लीशन करो कंप्लीशन कंप्लीशन मतलब समाप्त करो फाइलें खुली हुई है हमारे माइंड में हजारों फाइलें खुली हुई है अब एक यंग एक स्टूडेंट लड़का है या लड़की कॉलेज में किसी के प्यार में पड़ गए प्यार है या नहीं है वो भी नहीं पता उनको राइट right? उनको तो बस लगता है अच्छा लगता है उससे बात करना अच्छा लगता है उससे मिलना अच्छा लगता है उसके बारे में तो इनफेचुएशन कह सकते हो आप लगाव कह सकते हो right? अब दिन रात वो फाइल खुली हुई है माइंड में पढ़ रहा है आदमी तो भी वही फाइल खुली हुई है और right? कुछ काम कर रहा है तो उस फाइल को कंप्लीट करना पड़ेगा कंप्लीशन मतलब यार भैया मैं अभी पढ़ रहा हूं आई एम नॉट गोइंग गोइंग टू आई एम टू स्विच ऑफ माय फोन यू नो कभी कभी कंप्लीशन जरूरी है अगर आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं कुछ करना आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं कस्टमर के पास जा रहे हैं आप कस्टमर पे ध्यान लगाने की जगह आपके माइंड में चल रहा है यार ये भी कस्टमर क्लोज नहीं हुआ तो कैसे होगा यार मेरा तो इस महीने में कोई परफॉर्मेंस नहीं है बस ये प्रोडक्ट ले ले यार मेरा ओके okay, ये मेरा प्रोडक्ट ले ले मेरे अकाउंट में कुछ पैसा आ जाए इसके कारण अरे यार पिछले महीने में, में मैंने बस दस हजार ही कमाया इस महीने तो मेरे को पचास हजार कमाना ही है फाइल अरे भाई कस्टमर के ऊपर ध्यान देने की जगह कौन सी फाइल ओपन कर रखी है उस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा कंप्लीशन करना पड़ेगा हम किसी से लड़ लेते हैं कंप्लीशन कंप्लीशन करते ही नहीं है ला, सालों तक आप देखिए रिलेटिव छोटी छोटी बातों पर छोटी छोटी मैंने मेरे गांव में देखा है मैंने मेरे दोस्तों के साथ देखा है अगर शादी का कार्ड है ना उस पर अगर किसी का नाम मिस हो गया गलती से या नीचे लिखी गया मान लीजिए ऊपर वो बड़ा है सबसे और ऊपर नाम लिखना चाहिए था तीसरे नंबर पे लिख दिया झगड़ा हो जाएगा शादी के राइट कार्ड नहीं कार्ड पे नाम नहीं है ना झगड़ा हो जाएगा अब मैंने किसी को बुलाना है और व्हाट्सएप पे कभी हो जाता है आजकल की व्हाट्सएप पे भेज देता है आदमी कि यार भाई मेरे पास समय नहीं है क्योंकि आज ट्रैवल बहुत है तो लोगों ने व्हाट्सएप पर कई कई लोग इस चीज को ऐसे ले लेते हैं मेरे को तो बुलाया ही नहीं अरे भाई भेजा था तेरे को व्हाट्सएप पे नहीं नहीं मेरे को कहाँ भेजा था व्हाट्सएप पे मेरे को बिल्कुल नहीं भेजा व्हाट्सएप पे और भेजा तो भी व्हाट्सएप पे मैं क्या कहीं रोड पे बैठा जो व्हाट्सएप पे भेजने से जाऊंगा व्हाट्सएप पे तो उसने हजारों को भेजा था मैं तो इंपॉर्टेंट हूं मुझे आके बोलता अब जस्ट इमेजिन कीजिए उस बंदे ने व्हाट्सएप पे भेज दिया बेचारे ने अच्छे मन से भेजा होगा उसने तो हो 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 उस तो लेकिन ये बंदा अपने माइंड में एक फाइल खोल ली इसने तो मेरे को बुलाया है नहीं देखता हूं कब बुलाता है देखता हूं कब बुलाता है अब जस्ट इमेजिन कीजिए ये पानी की बॉटल है और इसमें लीकेजेस है क्या होगा सिंपल कुछ नहीं होने वाला है आपकी जिंदगी वहीं की वहीं रहेगी आपको कभी भी वो एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी जो आपको चाहिए सो so, दोस्तों कल मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था आज इस कंसेप्ट को मैं कंप्लीट करना चाहता हूं डायरी बनाइए एक और उस डायरी में लिखिए अपने माइंड को शांत करने के लिए पचास चीजें जो आपको आपके माइंड में चल रही है लिख लीजिए उनको एक बार बड़ा मुश्किल है मैं जानता हूं ये चीज कभी कभी मैं मैं भी हर रोज नहीं करता लेकिन कभी कभी माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि यार ये चीज करनी है ये भी करनी है ये भी करनी है। क्या क्या करूं ऐसा कंफ्यूजन कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यार सब कुछ करना है क्या करूं डिफिकल्ट है और करनी सब जरूरी है जैसे मेरे ऑफिस में मुझे अकाउंट्स भी कर यू नो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए उसके भी वो लेना है सेल्स भी अच्छे से होना चाहिए मुझे नई चीजें सीखना भी है तो लर्निंग भी अच्छी से होनी चाहिए बुक्स भी पढ़नी है कोर्सेज भी करने हैं रिकॉर्डिंग भी करनी है लाइव प्रोग्राम भी लेने हैं ट्रेनिंग भी करनी है टीम मीटिंग भी करनी है ओके okay? बुक्स लिखनी भी है आई नीड टू राइट ऑल्सो रोज सोशल मीडिया पे पोस्ट भी जानी चाहिए हमारी वो भी हमारी प्रॉपर होनी चाहिए पॉडकास्ट भी होना चाहिए यूट्यूब भी होना चाहिए देखिए कितने सारे काम हैं और इन्हीं के बीच में फ्रेंड्स भी हैं फैमिली भी है बच्चे भी हैं ओके okay? सभी लोग हैं इतनी चीजें हैं फाइलें कितनी सारी खुली है रहती है लेकिन द बेस्ट पार्ट इज इस समय मैं यहां खड़ा हूं ना ये सारी फाइलों को मैंने क्लोज कर दिया है एंड देन आई एम स्टैंडिंग हियर आप कहोगे सर कैसे क्लोज किया सिंपल है अपने माइंड को कमांड दे दी भैया मोबाइल नहीं देख सकता मैं टीम को बोल दिया कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो आई एम नॉट सपोज टू गो देयर थर्ड अपने माइंड को बोल दिया भैया जितने भी लोग आ रहे हैं ना ये भगवान का गिफ्ट है कि इतने लोग तेरे पास आ रहे हैं कई लोग बोलना चाहते हैं लेकिन उनको सुनने के लिए पांच लोग नहीं है पंद्रह लोग नहीं है लेकिन तू ब्लेस्ड है भूपेंद्र कि लाखों लोग तेरे पास आ रहे हैं हजारों लोग तेरे पास आ रहे हैं जस्ट गिव देम हाईएस्ट वैल्यू उनका दुख दर्द फील कर एक बार मैं अपने किसी प्रोग्राम में नया नया था ट्रेनर बना था तो किसी प्रोग्राम में जाने के लिए मुझे बड़ा ऐसा एंग्जाइटी सा हो रहा था कि यार कैसे मैं बात करूंगा क्योंकि यू नो शुरू शुरू में सत्ताईस अट्ठाईस की एज उनतीस की एज और ट्वेंटी नाइन के एज में आप एक बहुत बड़ी टीम के लीडर्स को एड्रेस करने जा रहे हो एंगजाइटी इतनी थी कि मैं ब्लैंक हो गया एक बार तो मैंने कहा क्या बात करूंगा वो लोग मुझसे ऑलरेडी ज्यादा सक्सेसफुल है वो मुझसे ज्यादा बड़ी गाड़ी में घूमते हैं वो उनका घर आराम से सेटल है वो एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर है लाखों रुपया कमा रहे हैं उनको मैं क्या बताऊं मैं ट्रेनर तो बन गया लेकिन उनको क्या बताऊं डाउट आ गया भयंकर वाला तो मैं वापस से मेरे टीचर के पास गया और उनसे मैंने पूछा क्या करूं उन्होंने कहा एक मिनट के लिए शांत हो आंखें बंद कर एंड रिलैक्स कर एंड ये बता दुनिया में जितने भी इंसान हैं क्या उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है भले यस तो फील कि वो वो जितने भी लोग वो भी लोग हैं कितने विद्वान हो उनमें किसी में स्ट्रेस होगा किसी में तनाव होगा किसी में फिजिकल प्रॉब्लम किसी की रिलेशनशिप प्रॉब्लम कोई पैसा तो अच्छा कमा रहा है लेकिन 90 परसेंट ज्यादा पैसा कमाने वाले भी पैसे की प्रॉब्लम है बस तुम उनकी प्रॉब्लम को फील कर उनका दर्द फील कर एंड देन डिलीवर वॉट इज अप्रोप्रिएट फॉर देर हार्ट एंड दोस्तों जब वो डिलीवर किया लिटरली दैट वॉज माई बेस्ट प्रोग्राम एवर और ऐसे कई प्रोग्राम फिर होते गए मुझे तो एक ही चीज समझ में आती है इनफैक्ट सबसे बड़ी चीज समझ में आती है कि हर इंसान कुछ ढूंढ रहा है और वो जो ढूंढ रहा है वो आपको उन्हें बताना है तो यहां पर जब खड़ा होता हूं तो एक ही फीलिंग होती है सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली कोई फायदा नहीं है और कुछ सोच के फाइल कंप्लीट है बूम अब यहां से जाते ही फैमिली फाइल खुल जाएगी ऑफिस की फाइल टोटल बंद आप में से कई लोग मेरी टीम से फोन करके पूछ लेना मैं जब घर होता हूं ना फोन भी नहीं उठाता टीम का भी मैं फोन तभी उठाता हूं जब मैं फोन पे एक्टिव होता हूं फाइलें बंद घर वालों के साथ दोस्तों के साथ हूं घर वालों को बोल देता हूं मेरे को फोन मत करना अर्जेंट नहीं है तब तक और दोस्तों के साथ भी बैठा हूं तो फोन बंद है फाइलें बंद है कोई टेंशन नहीं उस समय और जब मैं विपशना जैसी मेडिटेशन में या कहीं जाता हूं तो बाकी सारी फाइलें बंद सिर्फ इंटरनल फाइल खुली हाउ टू डील विद इट दोस्तों अपनी फाइलें वो ही खुली रखें जो इस समय जरूरी है बाकी सारी फाइलें टेबल से बाहर होनी चाहिए अगर आपने ये जिंदगी में उतार लिया तो यू विल बी वेरी वेरी खरीद पाऊं खुशियां अपने मां बाप के लिए मेरे किरदार क्या लिखा है मेरे किरदार का मोल इतना कर दे भगवान तथास्तु 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 मेरे भाई तथास्तु तथास्तु कुशल आप में से किसी का कोई भी सवाल हो तो दो तीन सवाल मैं ले लेता हूं एंड देन वी विल वाइंड अप ट्रेनिंग प्रोग्राम दोस्तों लेकिन दो तीन चीजें एक तो डी क्लटर बुक जरूर पढ़ लें ताकि आप भी कंप्लीशन वगैरह का प्रिंसिपल सीख जाए और नहीं पढ़ सकते कुकू एफ एप्लीकेशन से उसका ऑडियो सुन लें और ऑडियो डाउनलोड करते या कुकू एफ डाउनलोड करते समय मेरा कोड आप यूज कर लें मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें उसमें बहुत सारे वीडियोस हम लोग डालते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप में से कई लोगों को और कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं सर पैसा कैसे कमाऊँ दोस्तों इसका सवाल का पहले मैं जवाब देना चाहूँगा पैसा कमाने के लिए पैसा कहाँ से आ सकता वो स्किल आप लाएँ ओवरनाइट सोनू शर्मा सर ने जैसे कहा ना कैसे जल्दी पैसा कमाएं तो बैंक लूट लो भाई सबसे जल्दी पैसा कमाना है तो इससे जल्दी तो कोई और तरीका नहीं है लेकिन फिर भी अगर में से कई लोगों को जल्दी पैसा कमाना है तो आपको जल्दी स्किल डेवलप करना होगा और वो स्किल डेवलप कीजिए जो प्रैक्टिकल हैं जिनसे लोग पैसा कमा सकते हैं इंटरनेट से कैसे अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है आज की डेट में बहुत अच्छी स्किल है जैसे YouTube अकेला मैं बता रहा हूं बहुत अच्छा पैसा हम लोगों को दे देता है इनफैक्ट इतना दे देता है कि जितना हमारी पूरी टीम के घर चलाने के लिए और मेरा घर चलाने के लिए जरूरी है नाउ दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूट्यूब ठीक है अब यूट्यूब अकेला इतना दे सकता है तो ये स्किल है लेकिन ऐसा नहीं है कि देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कोई भी स्किल लेते समय कोई भी स्किल लेते समय एक चीज ध्यान रखिएगा अपना जैसे मैं ट्रेनर हूं ना मुझे कोई कहे यार आज की डेट में अरबपति बना जा सकता है अगर आप आ, अगर आप विराट कोहली की तरह क्रिकेट खेलना शुरू कर दो तो ना? तो अरबपति मैं बन सकता हूं विराट कोहली की तरह क्रिकेट खेल के लेकिन प्रॉब्लम यह है कि विराट कोहली मैं कैसे बनू मैं तो ट्रेनर हूं तो कभी भी ये मत करना कि आपको मैंने अगर बोला कि भाई आप स्टॉक मार्केट सीख लें तो ऐसा नहीं कि आप अपनी जॉब छोड़ के सिर्फ स्टॉक मार्केट ही कर रहे हैं हां अगर आपने सही एज में शुरू कर दिया मान लीजिए आप विराट कोहली बनना चाहते हैं और आपने पंद्रह की एज में शुरू कर दिया या बारह की एज में शुरू कर दिया और आप उसके लिए प्रॉपर कोचिंग ले रहे हैं और उसके लिए विराट कोहली बारह तेरह चौदह घंटे फुल टाइम उस काम को दे रहा है वैसे अगर आप फुल टाइम देने को तैयार है राइट एज में राइट टाइमिंग के साथ तो फिर आप उस फील्ड को पकड़िए लेकिन दोस्तों आप अगर पचास के हैं पचपन के हैं पच्चीस के हैं पैंतीस के हैं और आपको पैसा कमाना है तो पैसा कमाने की छह सात स्किल है देखिए कुछ ऐसी है जो घर में बैठ के लैपटॉप से हो सकती है कुछ ऐसी जिनके लिए आपको कुछ मार्केट में जाना है अब कई लोगों को मैं बोलता हूं भाई सबसे अच्छा सोल्यूशन मुझे मिला है पहले कोई भी आदमी मेरे पास आता था मैं उनको बताता था पैसा कैसे कमाए तो मैं बोलता था पब्लिक स्पीकिंग सीखो सेलिंग स्किल सीखो पर्सनालिटी को डेवलप करो और वो आज भी बोलता हूं थाउजेंड परसेंट करनी पड़ेगी आपको और सेल्स सीख गया आप में से कोई भी तो किसी भी फील्ड में नेटवर्क मार्केटिंग हो ट्रेनिंग हो यू नो बिजनेस हो किसी में भी पैसा कमा पाएगा लेकिन साथ में पर्सनालिटी साथ में पब्लिक स्पीकिंग स्किल ये तीनों डेडली कॉम्बिनेशन है ये तीनों अच्छी थी मेरी इसीलिए जैसे ही इंटरनेट से पैसा कमाने की बात आई तुरंत हम पैसा कमाने लग गए ओके तो ये तीनों हो फिर इंटरनेट मार्केटिंग वगैरह हो तो ये चारों बहुत अच्छी चीजें हैं लेकिन कोई कहता है नहीं सर पब्लिक स्पीकिंग करने में तो बहुत टाइम लगेगा सेल्स भी करने में और पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी ये सब नहीं सीखना तो फिर दूसरा बेस्ट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट फिर आप स्टॉक मार्केट सीखें और स्टॉक मार्केट आप सीख के बहुत अच्छे से आप काम करें पूरी लगेगा सीखने में लेकिन वहां पे भी ये गलती मत कर देना रातों रात करोड़पति बन जाने की नहीं होगा नहीं होगा अगर आप बहुत ज्यादा लकी हो और आपकी आपका लक भगवान ने खुद ने सोने की कलम से लिखा है और तो बात अलग है दोस्तों लेकिन अदरवाइज मैं कहूंगा कि हाँ तीन हजार पांच हजार दस हजार पर डे आप कमा सकते हो अगर आप सच में दिल से ढंग से सेफ्टी के साथ सारे सेफ्टी नियमों के साथ आप काम करो तो तो वहां पे ना तो आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है ना सेलिंग स्किल सीखनी है ना ही आपको इंग्लिश आने की जरूरत है ना ही आपको और कुछ आपको बेसिक इतना पता होना चाहिए कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है उसको खरीद लो कौन सा नीचे जा रहा है उसको बेच दो या स्टॉक मार्केट में नीचे जाते हुए भी इनकम होती है तो कौन सा नीचे जा रहा जाने वाला है उसको पहले सेल कर दो और बाद में उसको खरीद लो आई मीन दैट इज द थिंग तो ये दोनों चीजें हैं आपको कहां पे और मैं कहूंगा कि ये दोनों डेवलप करो अपनी जिंदगी में क्योंकि स्टॉक मार्केट तो खुलता है मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे खुलता है वो भी सुबह सवा नौ से तीन बजे तक तो, अब बाकी तो बाकी के टाइम क्या करोगे तो बाकी के टाइम इन चीजों की भी जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिकल स्किल्स है दोस्तों पचास साल आपको सफलता के लिए काम करना है तो पचास साल की इस पारी में कम से कम पचास साल टिकने के लिए पांच साल मेहनत करो यार अगर किसी को नेशनल क्रिकेट टीम में खेलना है तो उसे 10 साल 15 साल तपना पड़ता है तब जाके वो नेशनल क्रिकेट टीम में आता है और अगर आपको भी 500 करोड़ करना है ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है 5-10 साल बड़े फोकस से काम करो और ग्यारहवें साल में आपके पास 500 करोड़ एक ही साल में आ जाएगा इतना मैं गारंटी देता हूं यस ओके सर रिट्रीट में अपना छोटा सा डॉगी ला सकती हूं क्या बिकॉज मैं अकेली हूं बिल्कुल ला सकते हैं लेकिन उसको आपको दूर बांधना पड़ेगा वो रूम में नहीं आएगा है ना वो रूम में नहीं आएगा होटल ऐसा है जो बहुत ओपन है एंड बहुत सारी जगह है स्पेस है आपको उसको किसी पेड़ पे बांध के छोड़ देना है वो भी होटल स्टाफ का भी हम लोगों को परमिशन लेके आपको और बता देंगे तो मेक श्योर दैट यू यू कैन बुक एंड उसके बाद ताकि सीट्स फुल ना हो और हमारी टीम होटल से कंफर्म कर लेगी नाइनटी नाइन परसेंट हो जाना चाहिए बी एस आर सर जी स्क्रिप्ट बना तो ली बना तो लेंगे रिकॉर्ड भी कर लेंगे बट उसे सारी रात रिपीट पर लगा के सोना का इजीएस्ट वे मेथड क्या है देखिए मेरा सिंपल मेथड है मेरे मोबाइल में कम से कम सात आठ घंटे का पावर बैकअप रहता है ओके और आपने सिर्फ ऑडियो चलाना है ऑडियो चला दिया और इसका पावर वावर स्क्रीन वगैरह सब ऑफ हो गया रात भर ये बसता रहेगा नहीं तो मेरे लैपटॉप पे भी अच्छी बैटरी है तो कम से कम पाँच घंटे छः घंटे चल जाती है तो वो भी चला लेते हैं तो सिंपल है लगा दीजिए और मान लीजिए एक उसको लूप में लगा दीजिए राइट right, मान लीजिए होता है ना लूपिंग का सिस्टम होता है हर एक ऑडियो प्लेयर में एक लूप का सिस्टम होता है वो लूप सेलेक्ट कर लीजिए वो बचता जाएगा बसता जाएगा बसता जाएगा नहीं है लूप का सिस्टम तो एक रिकॉर्डिंग रात भर में 200 बार बजनी चाहिए तो 200 उसकी कॉपी बना लीजिए कॉपी पेस्ट 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 करते जाए दो कॉपी उसकी बन जाएगी और फिर उन दो को एक साथ प्ले कर दीजिए प्ले में डाल के एक के बाद एक चलती जाएगी विपशना के बारे में कुछ बताएं नीरज जी कहते हैं तो अब आई थिंक बैठ के बात कर सकते हैं राइट right, uh, बहुत देर हो गया खड़ा होने uh, अभी भी आज बहुत सारे लोग टिके हुए हैं वेरी नाइस हर लोग कुछ ढूंढ रहे हैं उन्हें तो मिलता नहीं है हाँ हर लोग कुछ ढूंढ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट है मैं पूरा पढ़ नहीं पाया विपक्षना के बारे में कुछ बताएं बिल्कुल गगन विपक्षना एक मेडिटेशन टेक्निक है जो कि बहुत ही पावरफुल है और पांच हजार वर्षो पुरानी टेक्निक है ढाई हजार वर्षो पुरानी टेक्निक है जो कि गौतम बुद्ध दुनिया को सिखा के गए विपचना का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बुद्धिज्म के बारे में सीख रहे हो विपचना का मतलब यह है कि आप ये सीख रहे हो कि आप कौन है तो अगर आपके माइंड में ये हो कि ये धार्मिक टेक्निक है कोई या कोई धर्म के बारे में कुछ कर्म कांड सिखाया जा रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज सिखाई जा रही है हाउ डू यू नो अबाउट यूर सेल्फ आर यू एंड हाउ डू यू नो इयरफोन यूज करना है ओम वर्मा इयरफोन रात भर यूज करोगे आपके काम थक जाएंगे आई डोंट एडवाइज दैट मैं चाहता हूं कि आपके घर वालों के साथ तालमेल बैठाएं और उनको बोलें कि यार सभी लोग मिलके अपने खुद के फेवर के लिए सुन रहे हैं किसी के घर वाले अगर तैयार नहीं हो तो उन्हें ये कॉन्सेप्ट समझाएं मेरा ये वीडियो थोड़ा सा दिखाएं और उसके बाद आप सब लोग मिलके कि हमें दस सालों में क्या चाहिए पांच सालों में क्या चाहिए सब लोग मिलकर उस स्क्रिप्ट में अपना अपना इनपुट डाल सकते हैं दो डायलॉग आपके दो डायलॉग आपके वाइफ के दो डायलॉग आपके बच्चे के ऐसा हो सकता है सर कोई काम सर हैप्पीनेस रिट्रीट के लिए प्लीज़ कोई नंबर शेयर कर दीजिए तो टीम आ, आप प्लीज़ हैप्पीनेस रिट्रीट का नंबर शेयर कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए वैसे तो हमारा आ, हमारे यूट्यूब चैनल में अबाउट में सेक्शन में जाइए हमारी टीम का नंबर मिल जाएगा नहीं तो अभी मैं यूट्यूब के इसी चैट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन करवा देता हूँ नंबर और नहीं तो इस वीडियो के ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते सर आई एम एटीन ईयर ओल्ड एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ बिलियोनियर तो राजेंद्र जी तैयार हो जाइए पंद्रह से बीस साल का हार्डवर्क करने के लिए और पेशेंस के लिए और सब चीजें सीखने के लिए बिना सीखे भगवान नहीं मतलब नहीं हो पाएगा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट हाँ अगर आपको भी ओला उबर जैसा कोई ऐसा बढ़िया आइडिया आ जाए और उसके अलावा आपको फंडिंग भी मिल जाए आइडिया को एग्जीक्यूट करने की तो बात अलग है रितेश रितेश श्रीवास्तव क्या नाम रितेश शर्मा वो यो रूम का फाउंडर रितेश अग्रवाल सॉरी उसके जैसा कोई आइडिया आपको आ जाए और कुछ तो बहुत बढ़िया करिए दोस्तों लेकिन वो लोग भी बिलियोनर तभी बन पाएंगे जब 10 10 15 15 साल लगेंगे जिसने जितना जल्दी रितेश अग्रवाल ने शायद 15 16 साल की उम्र में सोचना और वो सब कॉन्सेप्चुअलाइज करना शुरू कर दिया इसलिए 25 30 की एज में वो बिलियोनर है राइट तो आपको भी लगेगा 10 15 साल तो ऐसे जल्दबाजी ना करें प्लीज Uh, तो हैप्पीनेस रिट्रीट के लिए नंबर ऊपर शेयर हो गया पिन हो गया मैसेज में और नीचे uh, मेरी टीम भी बार बार नंबर डाल देगी सो टीम यू कैन जस्ट पुट द नंबर बी सर विवेक बिंद्रा सर को कब लाओगे जल्दी आ जाएंगे विवेक बिंद्रा सर मैं मिला था उनसे थोड़े दिन पहले बहुत ही प्यारी मुलाकात रही उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा भगवत गीता नहीं भागवतम श्रीमद भागवतम का सेट गिफ्ट किया अठारह बुक्स का इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल मीटिंग एंड होपफुली जल्द ही विवेक सर भी आ, आ जाएंगे संदीप सर भी आ जाएंगे मोटिवेशनल न्यू कंटेंट कहाँ से लें न्यू कंटेंट क्या होता है मोटिवेशन में मोटिवेशन में क्या सुनोगे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए क्या हो सकता है थोड़ा कहानी चेंज हो सकता है थोड़ा सा उसको बताने का स्टाइल चेंज हो सकता है बट कंटेंट सेम ही है सब जगह सभी जगह मैंने तो मतलब आज पंद्रह साल से इस फील्ड में हूँ तो ऐसा कोई स्पीकर नहीं होगा जिसको नहीं सुना होगा ऐसी कोई बुक नहीं होगी जो पॉपुलर है और मैंने पढ़ी नहीं होगी और ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होगा जो सच में इंपॉर्टेंट है ट्रेनर बनने के लिए और मोटिवेशनल ट्रेनर से रिलेटेड है और मैंने अटेंड नहीं किया होगा तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि सब कुछ करने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ मोटिवेशन के लिए सारी थ्योरी सेम ही है आपको हर रोज रिजेक्शन से प्यार करना है यू नीड टू थिंक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करो आ, आप में से हर एक आदमी पॉजिटिविटी लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सब सुनते हैं लेकिन उन पर यकीन नहीं करते हैं क्योंकि वो सब स्लो काम करती है आपको जिंदगी बदलनी है हेल्थ बनानी है तो छह महीने आठ महीने साल भर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आप दो दिन करोगे फिर छोड़ दोगे चार दिन करोगे फिर छोड़ दोगे तो आप मोटिवेशन तो कर ही नहीं पाओगे क्योंकि गलत आदतें पड़ी हुई है ना इतने सालों से मेरी गलत आदतें पड़ी हुई है खाने पीने की इतने सालों से तो मैं अपनी हेल्थ पे उतना काम नहीं कर रहा हूँ प्रायोरिटी नहीं है अभी मेरी वो तो प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी जिस दिन प्रायोरिटी बन जाएगी उसके बाद ये काम होगा तो जल्दी करना पड़ेगा मैं भी करता हूँ चार छह महीने काम उसके बाद चार छह महीने छोड़ देता हूँ तो ये गलत तरीका है लेकिन हाँ जो चीज आपको पैशन लगती है एटलीस्ट मुझे मेरा काम बहुत पूजा लगता है आ, दिस दिस प्लेस ऑफ वर्शिप तो इसमें मुझे सब कुछ देना है सर डांसर एज ए प्रोफेशनल ले सकते हैं बिल्कुल लीजिए आपकी मर्जी सर बिजनेस सीखने के लिए आपके कौन से कोर्स अवेलेबल है बिजनेस के लिए तो वनीता अभी हमने स्टार्टअप के लिए एक, एक साल का डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च किया है डिप्लोमा मीन कि ये किसी यूनिवर्सिटी से अफिलियटेड है ये हमारा एक साल का प्रोग्राम है फिफ्टीन ऑफर प्राइज उसका था लेकिन वो ऑफर में अभी कैंसिल हो गया है ऑफर मतलब ऑफर इज एक्सपायर्ड लेकिन हमारे कभी भी वेबिनार आप अटेंड कीजिए वेबिनार में फिर से हम कोई ना कोई अच्छा ऑफर देते हैं और आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं उसके लिए अराउंड 24000 अभी के उसका प्राइस चल रहा है विदाउट ऑफर सो यू कैन जस्ट टेक इट सर लालच कैसे दूर करें प्लीज सर बताइए हाल हमारा बहुत लॉस हो रहा है लालच के कारण प्रदीप जी प्रदीप जी किसका लॉस नहीं हो रहा है लालच के कारण ही तो पूरे संसार का लॉस हो रहा है सबको लालच है और इस लालच के लॉस ने मतलब आदमी को पैसा तो इस लालच के कारण शायद मिल जाता है लेकिन फैमिलीज का लॉस हो रहा है रिलेशनशिप का लॉस हो रहा है मॉरल वैल्यूज का लॉस हो रहा है कैरेक्टर का लॉस हो रहा है किसी को लालच है पैसे का किसी को लालच है प्रॉबेबली खाने पीने का किसी को लालच है कुछ गलत काम करने का तो लालच ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंड ये लालच हम में सब में है मैं नहीं कहूंगा कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ इसका मतलब मुझे लालच नहीं है मुझे लालच है लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने का ये मेरा सबसे बड़ा लालच है और इसी लालच के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ओवर वर्क हो जाता है मतलब पागलों की तरह काम हो जाता है बीस घंटे काम हो जाता है कभी बारह घंटे काम हो जाता है बारह तेरह घंटे तो खैर नॉर्मल है बीस पच्चीस घंटे तीस घंटे कभी कभी बिना सोए मतलब कभी कभी रात को उठ जाता हूँ ऐसे ही ये लालच है दोस्तों और किसी ने मुझे कहा था कि तेरा सबसे बड़ा क्वालिटी भी यही है और तेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी यही है एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट तो दोस्त इस लालच को कम करने के लिए एक एक लाइन मारनी पड़ेगी मुझे पता है कि मुझे 45 फाइव की ईयर्स तक मैं जानता हूं कि कुछ भी अनहोनी हो सकती है कभी भी लेकिन मुझे ये पता है कि 45 फाइव की ईयर्स तक मैं अपने आप को रोकूंगा नहीं एंड 45 फाइव के बाद मैं एक बिल्कुल बैलेंस लाइफ जीऊंगा तो मैं जो अभी भाग रहा हूं मैं इसलिए भाग रहा हूं कि मुझे अगले तीन से पाँच सालों में अब कई लोग कहते हैं सर आज तो कल का भी भरोसा नहीं है आई नो दैट लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं कम से कम अस्सी साल तो जीऊंगा भाई काम करना है बहुत पचास करोड़ क्या फिर सबको करना है सर uh, मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं मुझे आपके जैसा ट्रेनर बनना है तो क्या स्टडी करना चाहिए अगर आप कॉलेज जैसे स्टूडेंट हैं uh, और आपको मेरी तरह ट्रेनर बनना है दोस्तों तो ट्रेन द ट्रेनर का हमारा जब भी वेबिनार होता है नहीं तो इसी यूट्यूब चैनल पर कोई रिकॉर्डेड वेबिनार होगा दस पांच दिन पहला एक वेबिनार हुआ था जिसमें लिखा हुआ होगा हाउ टू मेक अ मिलियन यूजिंग बाई बाय शेयरिंग वॉट यू लव होगा कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड अगर आप चाहो तो उसका लिंक पोस्ट कर सकते हो। उस पूरे वेबिनार को देखो समझो ट्रेनर बनने के लिए क्या क्या चाहिए सेलिंग स्किल चाहिए कन्वर्टिंग जैसे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आप लोगों का टेंशन था ना कि टीम कैसे बनाए वैसे ट्रेनर बनने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं कौन से चैलेंजेस नहीं आते हैं और उनको कैसे फेस करना है ये सब हम आ, करते हैं बी एस आर आई एम एटी टू सोनम जी थैंक यू सो मच आप एटी टू की एज में भी आप मुझे अटेंड कर रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा आप 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 ईयर यंग हैं आप अपने को बिल्कुल बूढ़ा मत समझिएगा आदमी सिर्फ माइंड से बूढ़ा होता है सोच से बूढ़ा होता है बॉडी तो है जो चलती रहेगी कोई बात नहीं बॉडी की उम्र है आपकी एटी टू माइंड की उम्र हमेशा होनी चाहिए सोलह साल या पंद्रह साल चौदह साल सर तीन भाई है जिसमें मैं सबसे कम पैसा कमाता हूं और थोड़ा मेरा लोन है तो कोई मेरे सपोर्ट नहीं करता है कैसे क्या करूं मैं कि हम सब अच्छे से बात करें मैं आपको कह रहा हूं पहली तो ये बात समझिए आप सबसे कम पैसा कमाते हैं आप अपने दो भाइयों से एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि वो आपको पैसा दे नहीं नहीं सर भाई हैं तो एक्सपेक्ट तो करना चाहिए मैं समझता हूं बिल्कुल करना चाहिए लेकिन वो आपको नहीं कर रहे ना हेल्प अब आप और ज्यादा उन्हीं की तरफ देखते रहेंगे हमारा प्रॉब्लम सबका वही है ना हम जो दरवाजा बंद होता है ना हम उसी की तरफ देखते रहते हैं आपके भाई नहीं होते तो क्या करते आप फिर क्या करते आप? आपके आपका कोई देखने लिए होता ही नहीं है you know जब भी मैं भी मैं बड़ा दुखी होता था कई बार कि कई बार मुझे भी सपोर्ट नहीं मिलता था मैं एक्सपेक्ट करता था सपोर्ट अपने दोस्तों से अपने रिलेटिव से या अपने भाई से या दोस्तों से मतलब सब सपोर्ट करने को तैयार भी होंगे क्या पता लेकिन कई चीज़ों में मैं मेरी वाइफ से कई बार एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी मेरे बिजनेस मतलब शुरू में शादी हुई थी तब मैं तीन साल एक्सपेक्ट करता था कि वो मेरे बिजनेस में आए वो मेरी हेल्प करे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है मैंने बताया ना हजारों चीज़ें हो जाती है फिर बाद में धीरे धीरे मैंने समझाना शुरू किया अपने आप को यार मैं शायद भगवान मुझे बहुत पावरफुल बनाना चाहता है हीरो बनाना चाहता है भगवान मुझे और हीरो को जिंदगी में शुरू में कभी किसी का सपोर्ट नहीं होता हीरो बनता है बहुत बड़ा बनता है हीरो और धीरे धीरे उसकी कहानी इतनी लाजवाब हो जाती है कि सब लोग उससे जुड़ जाते हैं दोस्तों मुझे हीरो बनना है तो लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं है इसका मतलब आप हीरो बनने वाले हो आप बहुत बहुत कामयाब बनने वाले हो सपोर्ट चाहिए क्यों बैसा की चाहिए क्यों सारा पहले दिन से बढ़िया है ना दौड़े हैं की नहीं है हमारे पास कोई बढ़िया बहुत बढ़िया बात है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा तुम कह रहे हो अरे कोई बैसाखी ला दे मैं दौड़ दू मैं उसके बहाने चल लू अरे नहीं है की अब तुम्हें चलना है अब तुम्हारे अंदर भूख होगी तो तुम चलोगे तुम्हारे अंदर जिद होगी तो तुम चलोगे तुम्हारे अंदर पागलपन होगा तो तुम चलोगे अदरवाइज तुम कहोगे मेरा लोन है भाई भी सपोर्ट नहीं कर रहे बहन भी सपोर्ट नहीं कर रही पापा मम्मी भी सपोर्ट नहीं कर रहे दोस्त भी सपोर्ट नहीं कर रहे रोते रहे हालांकि रोते रहे जिंदगी भर रोते रहे कोई सपोर्ट नहीं करेगा यू डोंट डिजर्व अ सपोर्ट अगर तेरा ये माइंड है तो ओके यू डिजर्व अ सपोर्ट ओनली वेन यू आर पावरफुल सपोर्ट मिलेगा दोस्त आज जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं ना पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है आज हमारा रिट्रीट सेंटर बनने वाला है पुष्कर में लैंड का डील चल रहा है अभी जैसे ही फाइनलाइज हो जाता है उसका प्रोटोटाइप बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा बनेगा रिट्रीट सेंटर बनने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे लोग रहेंगे मुझे पता है भगवान है ऊपर बैठा है देख रहा है मेरे दिल को मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूं फ्री क्यों कर रहा हूं मेरा क्या इंटेंशन है लोग पूछते हैं ऐसा सवाल फ्री में क्यों करना है मेरी मर्जी यार मुझे देना है लोगों को विपशना में मैं गया दस दिन का वहां रहा खाया पिया एक बार गया दो बार गया मुझसे कुछ चार्ज नहीं मांगा गया किसी ने किसी ने मुझसे कुछ नहीं मांगा तो मुझे ऐसे अंदर से इच्छा आई कि मैं भी वो करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पीछे जो लाइन है ना वो लिखी हुई वो बहुत पावरफुल है वैन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड अनुपो सपोर्ट करीड स्कूल बुक्स एट ऑल एंड आई एम नॉट एबल टू रीड स्कूल बुक्स इन लॉर ऑफ इंटरनेट इन रीडिंग बुक्स यू नो वॉट मेरे भाई भगवदगीता तुम्हें अच्छी लगती है अच्छा सवाल है तो नीरज दो सवाल है आपसे क्या आपके पास चॉइस है स्कूल छोड़ने की अगर नहीं है स्कूल छोड़ने की चॉइस तो मेरा एक ही चकाम है क्या मेरे पास किसी चीज को छोड़ने की चॉइस है नहीं है तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन है गिव योर बेस्ट जो करो कमाल का करो नहीं तो मत करो अगर स्कूल बुक्स स्कूल जाना है और पढ़ना भी है साथ में भगवत गीता में इंटरेस्ट है भगवत गीता सुबह शाम में आधा आधा घंटा पढ़ो एज ए हॉबी पढ़ो लेकिन जो आपका काम है अगर आपने आपके काम की पूजा नहीं किए आपकी जिंदगी आपकी पूजा नहीं करेगी लोग आपकी पूजा नहीं करेंगे मैं तो हमेशा हर एक आदमी को यही संदेश देता हूं भैया सबसे बड़ी पूजा जो है ना मंदिर जाओ मस्जिद जाओ गुरुद्वारे जाओ या ना जाओ गिरजाघर जाओ या ना जाओ मेडिटेशन करो या ना करो बट एक चीज जरूर करो आप जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद कभी ना करो और जिस जगह से आपके पास पैसा आ रहा है जिस जगह से जो आपका कर्म है उस समय का आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पढ़ाई करना आपका कर्म है बहुत दिल से करो अगर ऑप्शन है तो छोड़ दो नहीं ऑप्शन है तो दिल से करो अगर आप नौकरी पे जा रहे हो अगर जा रहे हो तो इतना दिल से करो कि इतनी मजा मतलब पूरे ब्रह्मांड में वो एनर्जी जाए कि ये पूजा कर रहा है शिद्दत से कर रहा है ये बंदा क्योंकि यार लोग जिस नौकरी में जाते हैं उसी के अरे यार क्या नौकरी है मजा नहीं आ रहा है छोड़ दे साला अभी छोड़ दे नहीं अभी तो कैसे छोड़ दू पैसा एकदम रुक जाएगा तो फिर ढंग से कर पूजा करके कर पूरे दिल से कर साला कंप्लेन करना नहीं है उस नौकरी के लिए जिससे तेरे घर में पैसा आ रहा है जिससे तेरे पापा आ, मम्मी को तू पाल पा रहा है मतलब उनको उनके लिए कुछ कर पा रहा है अपने बच्चों को पाल पा रहा है वाइफ के लिए कुछ कर पा रहा है बच्चों को स्कूल भेज पा रहा है जिसके कारण आप अपने घर पे रोटी ला पा रहे हो जिसके कारण आपके कपड़े आ पा रहे हैं जिसके कारण आपके गहने आ पा रहे हैं जिसके कारण आपके घर में सब कुछ आ पा रहा है और आप उसी नौकरी का रोज जा रहे हो और मरे यार मन ही नहीं लगता नौकरी में गेट लॉस साला गेट लॉस्ट छोड़ आज नहीं मन लग रहा तो आज छोड़ है दम नहीं है दम तो पूजा कर जब तक कर रहे हो कोई आपको जबरदस्ती नहीं करवा रहा है जब तक कर रहे हो उसकी पूजा करो यार पता है हमारे इंडिया में क्यों स्व सोने की चिड़िया वापस नहीं बन पा रहे हम क्यों हमारे यहाँ आसपास इतना ज्यादा करप्शन और सब कुछ है क्योंकि कोई भी अपने मतलब 98 परसेंट लोग अपने काम से प्यार ही नहीं कर रहे 97 98 परसेंट लोग सब जाते सरकारी नौकर साले सारे के सारे जा रहे हैं नौकरियों में और उसी नौकरी के बैंड बजा रहे हैं सला एक काम नहीं करता ढंग से एक दो तो करते होंगे एक परसेंट मतलब मैंने कहा कि नाइनटी एट सेवन एट परसेंट नहीं करते और ये वीडियो फैलाइए उन तक पहुंचाइए उन तक नाइन्टी सेवन परसेंट नाइनटी एट परसेंट लोग काम नहीं करते सरकारी नौकरी में और प्राइवेट नौकरी में भी यही हाल है क्योंकि तनख्वाह मिल रही है ना आराम से जा रहे हैं आराम से बस दो पंच दो वो क्या कहते हैं ना दो पंच एक लंच वही चल रहा है सारा आराम से जा रहे हैं आराम से मिल रहे हैं आराम से काम कर रहे हैं जो काम चला एक दिन में हो सकता है वो पचास दिन में होता है जापान का मैंने एक किस्सा पढ़ा कि भूकंप के कारण एक ब्रिज टूट गया और पता है कितने दिनों में बन गया वापस छह दिनों के अंदर पूरा ब्रिज बन के वापस तैयार हो गया और हमारे यहां एक ब्रिज बनने के लिए साला उसी रोड को पहले पाइप नल की पाइप डालने के लिए खोदते हैं फिर बड़ी पाइपलाइन लाइन डालने के लिए खोदते हैं फिर और बड़ी पाइप डालने के लिए खोदते हैं सेम रोड को तीन बार खोदते हैं और उसके बाद उसके बाद ना उसी रोड को खोदते हैं कभी टेलीफोन वायर डालने के लिए कभी फाइबर डालने के लिए कभी मतलब रोड ही खुद ही रहती है यहां खुदा वहां खुदा हर जगह देखो वहां खुदा ही खुदा मतलब क्या है ये सब जगह क्योंकि ये काम चोरी जो लोग काम से चोरी करते हैं उन लोगों के कारण ये दशा है दोस्तों कम से कम हम तो ऐसा ना बने और लेट मी टेल यू वन थिंग कोई फर्क नहीं पड़ता साला कौन ज्यादा कमा रहा है और कौन कम कमा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता सबका हिसाब तो आगे जाके होएगा और हमें नहीं पता आगे कौन जाएगा लेकिन लोग कहते हैं नहीं 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 सर पैसा तो आना चाहिए तो हराम खोरी से क्यों कमाना है भाई पैसा आना चाहिए तो रिश्वत से क्यों कमाना है साला जिस काम में जा रहे हैं उसी की कब्र खोद के क्यों कमाना है लोग कहते नहीं मेरा बॉस अच्छा नहीं है अरे बॉस बेचारा क्या करे मैं हूं बॉस मेरे को पता है प्रेशर होता है प्रेशर लाखों करोड़ों रुपए का प्रेशर होता है हर चीज आपकी जिम्मेदारी होती है एक चीज टूट जाए आपका नुकसान होता है एक चीज एक दिन एक आदमी काम नहीं करता उसकी अगर पगार है पचास हजार रुपया एक दिन अगर वो आदमी काम नहीं हो, कर रहा है आपका दो हजार रुपए का नुकसान है और आपका उसी आदमी का जो पचास हजार की पगार लेके काम नहीं कर रहा दो हजार रुपए अगर उसकी जेब से चला जाए ना किसी दिन कंपनी के काम के लिए और उसका नुकसान हो जाए फिर देखो उसकी हालत और आप कहते हो मेरा बॉस कहता है टाइम पे आओ सला कितना खड़ूस है अरे यार उसका एक एक मिनट में उसका एक एक पाई का लॉस है यार बिजनेसमैन के पेन को समझो बिजनेसमैन बुरा नहीं है अगर बिजनेसमैन को आपने बुरा बनाया है अगर किसी बिजनेसमैन की यह आदत पड़ गई है ना कि वो आपको बहुत बहुत टाइट कर रहा है तो उसने एक्सपीरियंस से सीखा है कि जब जब ढील दिए ना साला ये काम ही नहीं करते And दोस्तों जितने भी बिजनेसमैन मैन यहां है ना वो मुझसे अग्री करेंगे इस बात एम आई राइट हो रहा और जितने भी लोग चाहे वो सरकारी नौकरी में हो चाहे किसी भी तरह की नौकरी में हो प्लीज़ मेक श्योर और कई लोग तो बिजनेस की भी वैल्यू नहीं करते कई लोग बैठिए दुकानों पे बैठे हैं दिन भर मक्खी मार रहे हैं ग्राहक आए तो कुछ करें और नहीं आ रहा ग्राहक तो मोबाइल पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं इधर वाले से बात करें उधर अबे उस समय में कुछ सीख इस बिजनेस की इज्जत कर ये मंदिर है तेरा इसकी पूजा कर और इसकी पूजा करने का तरीका ये नहीं है कि सर्विस को साफ सफाई कर रखे और बस इंतजार करता रहे ग्राहक आने का मैं तो कई लोग इसी चीज़ में प्राइड लेते हैं मैं तो सुबह नौ बजे दुकान खोल देता हूँ शार्प एक मिनट भी दिल अब करता क्या है उसके बाद तेरी बीस साल से एक ही दुकान खुली हुई है तेरी नहीं सर तो क्या करूं और और तो मेरे पास पूंजी है नहीं इसमें जितना होता है उससे घर ही चलता है बस पूंजी और है नहीं अरे तो भाई सीख इंटरनेट से कैसे पैसा कमाते हैं उस फ्री टाइम में सीख कि कैसे सेल करते हैं और सीख और कौन सी स्कीम है क्या और फैक्ट्री लगा सकते हैं कुछ और सीख सकते हैं दोस्तों ये दिल से निकलती है मेरे टॉक एंड आई रियली रियली फील कि हर आदमी ये समझे कैसे समझेगा भगवान जाने मेरा तो काम है बोलना हैप्पी दैट so आप में से कई लोग ये सारी चीजें मुझसे पूछ रहे हैं पांच लाख गरीब अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करना चाहती हूँ तथा रिमी जी लॉट्स ऑफ लव लॉट्स ऑफ लव एंड भगवान करे आपका ये सब चीजें हम्म आपके गुस्से को करें सर मुझे अगले जन्म के बारे डर लगता है ये बीमारी लग जाएगी अगर ये किया तो अगर वो किया तो डिसीजन नहीं ले पाता हाउ टू डील विद इट सर जी जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं कुछ दिन बाद मन नहीं लगता अगेन मैं कहूंगा दोस्त मन नहीं लगता मतलब क्या है मन नहीं लगता देखिए मेरे इस मैं कहूंगा मन नहीं लगता ना प्रेशर बढ़ा लीजिए मेरा एक कोच था वो हमेशा कहता था लोन ले ले बहुत सारा तब तू बहुत अलर्ट रहेगा तब तू एक भी मिनट अपना वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि तेरे को को दिन भर रहेगा कि यार इस लोन को चुकाना है मांगने वाले खड़े रहेंगे तो पता रहेगा कि चुकाना है तो तू क्या करेगा तू दिन भर सोचेगा कि क्या कर सकता हूं तब तू सोचेगा कि और कहाँ से पैसा कमा सकता हूं तो तू कभी बुक्स पढ़ेगा तो कभी तू कुछ और करेगा कभी तू अपने आप को पुश करेगा कभी तू दस हजार का प्रोग्राम बेच रहा है तो लाख रुपए का प्रोग्राम बेचने की सोचेगा और लिटरली मेरी जिंदगी में ये हुआ और तो मैं नहीं कहता कि आप अननेसेसरी लोन बढ़ा लें लेकिन यस प्रेशर डाल लें इसका मतलब है आज मैं इसलिए नहीं भागता क्योंकि मेरे ऊपर लोन है कोई लोन नहीं है और राइट आज जितना लोन है वो तो मतलब मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सी ए कहता है भाई थोड़ा तो लोन ले लोन लेने से तेरा वो सीबल स्कोर वगैरह ठीक रहेगा उसके कारण यू you नो know, लोन नहीं लेने से भी आपका सीबल स्कोर कम होता है ये मेरे को बाद में पता पड़ा बहुत Okay. तो आजकल सी ये कहता है कि भैया लोन लो ताकि आपको डिप्रिसिएशन का फायदा मिले आपको इंटरेस्ट का फायदा मिले इंटरेस्ट आपका बैलेंस शीट में खर्चा दिखेगा बैलेंस शीट में इंटरेस्ट खर्चा दिखेगा तो उतने पैसे पे इनकम टैक्स बचेगा तो बहुत सारी चीजें हैं और और लोन सस्ता पड़ता है बिजनेस में क्योंकि मुझे आज समझ में आया बिजनेस करते करते कि आज मेरे ऊपर अगर एक करोड़ का लोन है तो उसका इंटरेस्ट मुझे साल भर का कितना देना होता है दो लाख ढाई लाख तीन लाख राइट या नहीं नहीं दस परसेंट के हिसाब से दो दस हजार दस लाख रुपए इंटरेस्ट देना होता है एक करोड़ के लोन पे आपको पता है आज अगर मुझे कोई एक करोड़ देता है मेरे बिजनेस में तो मैं मतलब मेरे पास अगर दो ऑप्शन है ना खुद का एक करोड़ पड़ा है और बैंक से एक करोड़ लेना है तो आज की डेट में मैं हमेशा बैंक से एक करोड़ लूंगा उसके पीछे पता है मुझे कि ये जो एक करोड़ मेरे को मिल रहा है बैंक का अभी और मेरा ये मिला के दो करोड़ की पूंजी हो रही है और ये दो करोड़ डाल के मैं एक महीने में दो करोड़ कमा लूंगा वापस तो तो लोन लेना सस्ता पड़ता है बिजनेसमैन के लिए खैर आपको जब बिजनेस करेंगे तो समझेंगे लेकिन यहां पे बात ये हुई कि जिम्मेदारियां बिजनेस में जब से मैं आया जिम्मेदारियां हजारों गुना बढ़ गई और जिम्मेदारियां बढ़ गई कि एक लेवल पे एक लाख रुपए की जरूरत थी महीने की दो में तो माइंड चलता था यार ऑफिस का किराया देना है पंद्रह का दो एम्प्लॉई है उनकी सैलरी है तीस हजार रुपए पैंतालीस हजार रुपए जस्टाइल वगैरह का मार्केटिंग का खर्चा है पंद्रह हजार रुपए साठ हजार रुपए तो मिनिमम देना है फिर इलेक्ट्रिसिटी छोटा मोटा ट्रैवलिंग वगैरह का खर्चा पंद्रह हजार वो हो जाता है पंद्रह हजार आपका घर चलाने के लिए चाहिए नब्बे हजार और दस हजार रुपए मिसलेनियस चाहिए तो ऐसे करके एक लाख रुपए तो आपको हर महीना चाहिए तो जब एक लाख की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक लाख आता था घर में सही एक लाख के आसपास ही आता था जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ के दस लाख हो गई ना दस आने लगा आज एक करोड़ हो गई तो एक करोड़ आता है मतलब दिस इज द बेस्ट थिंग अब मैं सोच रहा हूं कि पांच करोड़ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा एंड लिटरली मुझे अब जुनून है भूख है मैं मैं ये जिंदगी नहीं जी सकता जहां पे मेरे को सिर्फ एक करोड़ मिल रहा है मुझे पांच करोड़ चाहिए पैसा कमाना मेरा धर्म है पैसा कमाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि जब एक अच्छा आदमी पैसा कमाता है करोड़ों लोगों का कल्याण करता है करोड़ों लोगों का कल्याण करता है एंड आई रीली वॉन्ट मेक मनी फॉर डूइंग दैट लिविंग दैट लाइफ यू मैस मस्ट ऑल्सो डू दिस श्री राम जय राम तो आपने कहा कंसिस्टेंसी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा लो सर जी जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से होता है लेकिन कुछ दिनों और कुछ महीनों के बाद खराब होने लगता है क्या वजह है कोई वजह नहीं है सिर्फ आपका कमजोर एटीट्यूड उसकी वजह है खुद आप जिम्मेदारी लीजिए और कुछ नहीं होगा जिम्मेदारी लीजिए हर चीज की जिम्मेदारी लीजिए जो इंसान सिर्फ अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेता है वो जिंदगी भर उतना ही कमाता है जितना उतना, उसके बच्चों की जिम्मेदारी के लिए जरूरी है जो पूरे देश की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है उसके लिए पूरे देश की सेवा करने के लिए कहीं से तो फंड आ जाता है दोस्तों जिम्मेदारी लीजिए जिम्मेदारी लीजिए सर स्क्रिप्ट कैसे बनाएं थोड़ा आइडिया दीजिए स्क्रिप्ट कैसे बनाए सिंपल है मैं आपको बताता हूं मेरी स्क्रिप्ट I'm very happy and excited, क्योंकि आज वो दिन आ चुका है जब मैं लाख लोगों के बीच में एक स्टेडियम में खड़ा हूँ एक लाख लोग स्टेडियम में हैं और मेरे साथ मंच पे विराजमान है इंडिया के कम से कम दस से पंद्रह बहुत ही पावरफुल बढ़िया जबरदस्त टॉप लेवल के सेलिब्रिटीज एंड पॉलिटिशियंस एंड स्पिरिचुअल गुरुज ये सभी लोग इन लाखों लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हैं क्योंकि ये लाखों लोग हम लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं वो मोमेंट जब हमने 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर दिया है और ये सबसे आगे वाली लाइन में, में मेरे पूरा परिवार बैठा हुआ है उसके पीछे मेरी पूरी टीम बैठी हुई है और उसके बाद मेरे सारे दोस्त सारे रेलेटिव एंड आज तक जितने भी लोगों ने मेरे प्रोग्राम्स अटेंड किए उनमें से गिने चुने लाख लोग इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं जैसे ही मैं स्टेज पे आ रहा हूं एक जबरदस्त शाउटिंग जबरदस्त स्क्रीमिंग होती है पूरा गूंज जाता है एक ही नारे से जो भी करो कमाल का करो एंड इसको सुन के जब लाख लोग एक साथ बोल रहे हैं तो इसकी गूंज ही बहुत जबरदस्त है तो ये देखिए इस तरह से इमेजिन करते जाएं कि उस समय क्या क्या होगा और वो लिखते जाएं दैट इज हाउ यू राइट द स्क्रिप्ट सर मैं 16 साल का हूं एंड डांस एज अ प्रोफेशनल बिल्कुल ले सकते हैं आप uh, सर आई विश टू गाइड योर यूथ टूवर्ड स्किल डेवलपमेंट करिए शुरू हर्ष जी करिए शुरू लेकिन पहले ट्रेनर कैसे बनना है और कैसे बन के अपना ब्रांड बिल्ड करना है उसकी ट्रेनिंग जरूर ले लीजिएगा अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सर घर वाले के सपोर्ट नहीं करते हैं उल्टे ताना मारते हैं बिल्कुल मारेंगे उनका हक है मेरे पिताजी मेरे माता मेरा भाई मेरी वाइफ सब लोग ताना मारते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे प्यार नहीं करते और मेरा सपोर्ट नहीं करते मेरे पीछे से सबसे ज्यादा बढ़ाई भी मेरी वही करते हैं अगर मेरे को मेरी गलतियां मेरे पिताजी नहीं बताएंगे मेरा भाई नहीं बताएगा मेरी वाइफ नहीं बताएगी तो कौन बताएगा हाँ जब वो बोलते हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि यार मैं इतने लोगों को गाइड कर रहा हूँ ट्रेन कर रहा हूँ तो फिर ये छोटी चीजें तो मुझे पता ही है ना लेकिन फिर भी कई चीजें आपको नहीं पता होती तो घर वाले ताना मारेंगे इट्स ओके आपको और तब तक ताना मारेंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाओगे और ये ताना ताना जब 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 ताना लगे ना तब तक आपको ऐसे लगना चाहिए यार मेरे पापा हमेशा कहते थे बेटा तू कर क्या रहा है ते, तेरे साथ वाले लोग तो देख किसी का घर खरीद लिया किसी को और मैं मैं ईगो में आके उनको कहता था पापा एक ही साल के अंदर ना सबको पीछे कर दूंगा गारंटी है तो ये शायद ताना था ना उसकी भूख उसने मेरी भूख बढ़ा दी तो इसको नेगेटिवली लोगे तो ताना है पॉजिटिवली भूख जाएगी अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में है या उसे का अटैक है तो तुम्हारे पास ऐसे कोई काउंसलर का नंबर है जो उसकी काउंसलिंग कर सके सागर जी सॉरी मैं नहीं जानता किसी भी काउंसलर को बट मैं चाहूंगा कि अगर आप पॉसिबल है आपके लिए तो एक हैप्पीनेस रिट्रीट में आए अगर वो बहुत ही ज्यादा छोटा बच्चा है तो मतलब जो बैठ सके मेरे प्रोग्राम में तीन दिन मेरे को समझ सके जिसके अंदर इतनी विजडम हो कि इस तरह की बात को समझ सके वो बच्चा अभी मेरा सात साल का बेटा भी अगर दिन भर या तीन दिन बैठेगा तो उसको कुछ बातें समझ में आएगी लेकिन फिर भी वो पूरी टाइम नहीं बैठ पाएगा तो फिर उसके लिए उतना आ, नहीं बट आप छोटे बच्चों को भी अपने साथ ला सकते हैं क्योंकि यू नो छोटा छोटा चीज़ें भी सुनते सुनते बहुत कुछ होता है यूट्यूब हंड्रेड के टारगेट है मेरा भी थर्टी वन के हो गया तथास्तु बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों हाउ टू डिफ़ीट फ्रॉम एडिक्शन ये सवाल डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड है आ, अकेले आपकी देखिए विल पावर इसके लिए बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और विल पावर स्ट्रांग मेरी भी नहीं है तो मैं हमेशा क्या करता हूँ मेरी विल पावर को मैं स्ट्रांग बनाने के लिए एक बहुत छोटा सा काम मैं मैं कर पाता हूँ जो मुझसे हो जाता है और वो ये है कि मैं लोगों को बताना शुरू कर देता हूँ जो मैं चाहता हूँ और जो मैं करना चाहता हूं उसके लिए लोगों को पहले ही अनाउंस कर देता हूं तो मेरे पास ये पावर इसलिए है क्योंकि मेरे को इतने लोग सुन रहे हैं तो आपके लिए या तो ये विल पावर बढ़ाने के लिए या तो आपके आसपास संगत वैसी होनी चाहिए मैं तो कहूंगा संगत आदत गुरु अगर ये तीन चीजें कर ली तो आपकी कोई भी बैड हैबिट छूट जाएगी लेकिन कभी कभी एडिक्शन ऐसा हो जाता है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते चाहे आप कितना भी सुन ले जैसे कि सोनू जी ने कहा कि वो एक शराबी जो है वो कहीं पे भी रात को आठ को आठ बजे पिया हुआ मिल जाएगा आपको तो अगर ऐसी बात है तो अगर ऐसी आदत है तो फिर आपको डी एडिक्शन सेंटर्स जो होते हैं उन्हीं का हेल्प लेना पड़ेगा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सर मैं पानी पानीपुरी का ब्रांड बनना है तथा सर कई लोग कहते हैं कि एक ही काम में गड्ढा खोदे पानी बाहर से निकलेगा तो कई तो दो दो काम करते हैं नौकरी भी और बिजनेस भी ऐसे में हमें क्या करना चाहिए <coughs> एक गड्ढा खोदें पहले और इतना गहरा खोदें कि उससे बहुत पानी आ जाए और जब उससे पानी फूट पड़े तो आप फ्री हैं दूसरा गड्ढा खोदने के लिए पंद्रह साल दिन रात मेहनत करके कोई क्रिकेटर बन गया कोई लता मंगेशकर बन गया कोई अमिताभ बच्चन बन गया और उसके बाद वो जो एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं उससे रेस्टोरेंट खोलें होटल खोलें कोई नई कंपनी में इन्वेस्ट करें पॉसिबल है तो कई लोगों को आप देखते हैं जो एक साथ दो दो काम करते हैं लेकिन आप किस लेवल पे वो करते हैं अगर वो देख रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो नौकरी के लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं और उससे आगे वो नहीं जा सकते तब वो दो काम करते हैं गुड लेकिन अदरवाइज इट इज नॉट एडवाइजेबल अदरवाइज जैसे मैं आज पंद्रह साल से ट्रेनिंग सीख रहा हूं और सिखा रहा हूं जिसमें सिखाने का मेरा करियर बारह साल का है तो इन बारह सालों में मैंने सिर्फ ट्रेनिंग ही किया है मैंने दूसरा कोई काम नहीं किया है दोस्तों बहुत ही अब जाके मैं अब थोड़ा पैसा जो एक्स्ट्रा आता है उस एक्स्ट्रा पैसे को थोड़ा थोड़ा कहीं पार्क करके मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बना रहे हैं। लेकिन मेजर काम अभी भी यही है और यही रहेगा क्योंकि खास बनना है आम नहीं बनना आम छोटा मोटा एक एक लाख इधर से आ जाए एक इधर से आ जाए इधर से दो लाख कमा लो ये नहीं इधर से कमाना है पांच करोड़ और बाकी सब जगह से जो आएगा बढ़िया सर कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने में कितना टाइम लगेगा ऋषभ जी अगर आप आ, हमारा शेयर मार्केट का कोर्स करते हैं तो हम सारी चीजें आपको मैक्सिमम छः महीने के अंदर आप हर चीज में बहुत पारंगत हो जाओगे अच्छा छः महीने में आ, आपको लर्निंग आवर्स रहते हैं करीब 200-300 घंटे एंड बाकी आपकी प्रैक्टिस रहती है और कोई भी चीज आपको सारा ओवरव्यू सब कुछ आप सीख पाओगे बहुत अच्छे से सीख पाओगे लेकिन मेहनत करने को तैयार होने चाहिए देखिए शेयर मार्केट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड गेम है मतलब इतना ईजी नहीं है बहुत इजी भी है देखा जाए तो बत, अगर मैं आपको सिर्फ बाइंग और सेलिंग बता दूं तो बहुत इजी है लेकिन उसमें हजारों चीजें हैं जैसे अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की आप बात करें तो उसमें आपको पता होना चाहिए ओपन इंटरेस्ट क्या है वॉल्यूम क्या है स्ट्राइक प्राइस क्या है कब पुट लेना है पुट बाय क्या है पुट सेल क्या है सेल कब नहीं लेना चाहिए सेल कब लेना चाहिए आपका कैलकुलेशन होना चाहिए कितना लॉस हो सकता है कितना पर डे ट्रेडिंग में आप कितने सौदे करें कितने बिल्कुल ना करें कौन सी जगह पे आपको लॉस होने का थाउजेंड परसेंट चांस है लास्ट डे में ट्रेडिंग करते समय क्या ध्यान रखें मतलब एक छोटी छोटी है फाइन ट्यूनिंग है तो मतलब ये समझ लीजिए कि पंद्रह से बीस क्लास अगर आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग की हुई ढंग से तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख पाएंगे दस पांच क्लास आपकी फ्यूचर्स की हुई तो मतलब ऐसे करते करते पांच से छह महीना आपको लगेगा क्योंकि आपको सब गेम सीखना है ध्यान रखिएगा कभी गलती मत कीजिएगा कि सारा पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में डाल दिया एंड मर गए पूरे के पूरे क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जीना है कि हाँ रोज का मैं तो कमाई लूंगा पचास हजार रुपया दस हजार रुपये नहीं होगा इसीलिए बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं जो शेयर मार्केट को बता रहे हैं वो अपना पैसा लूज नहीं करेंगे आप जैसे बेवकूफ लोग जरूर लूज करेंगे ध्यान रखिएगा ये तो शेयर मार्केट बहुत ही अच्छा गेम है लेकिन इसके सारे फील्ड मास्टर होने चाहिए स्टॉक सिलेक्शन से लेके इंट्राडे लॉन्ग इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग और अगर आगे के लेवल पे आप जाएं तो कमोडिटी ट्रेडिंग वगैरह भी आपको जरूरी है बट मैं कहूंगा कि थोड़ा ढंग से सीखिए तीन चार महीने आप सीखने में दीजिए मेहनत कीजिए रोज के की दो तीन घंटा दीजिए यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी ओके एंड फिर लंबी पारी का करोड़पति पाँच महीने में बनने की कोशिश मत कीजिएगा बन सकते हैं कई लोग वो ऑप्शन है लेकिन फिर वो जुआ बड़ा हो जाएगा जुआ नहीं खेलना है हमें हमें सिस्टम से काम करना है तथास्तु 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 और आई थिंक वी हैव स्पोकन इनफ कल सुबह हम लोग नहीं मिलेंगे uh, परसों सुबह हम लोग मिलेंगे छह से सात तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर बी हैप्पी लॉट्स लॉट्स ऑफ ऑफ लव लव टेक केयर क्या सोच रहा है सोच जरा तू कब बदलेगा क्या सोच रहा है सोच जरा तू कब बदलेगा अरे बदलेगी जब सोच तेरी सब बदलेगा एक सोच बदल सकती है भारत की तस्वीर सोच बदल सकती है हम सब की तकदीर ये सोच ही होती है प्रगति का आधार इस सोच से ही होता है हर सपना साकार सोच को अपनी रोशन करके मिटा दे अंधियारे तो कदमों में पिछ जाएंगे सफलता के तारे सरल करने की सोच तेरे लाइफ का ये magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of धन है, है सब मनवाने बड़ा बड़ा का ना कोई फिक्र बस आगे बढ़ता चल तेरी सोच में छुपा हुआ है हर मुश्किल का हल देते दे संकल्पों से उम्मीदों की धार अच्छी सोच से ही मिलती है जीवन को रखता मन ही जीते युद्ध बड़े और मन ही जंग हारे जो भी करो कमाल करो इस सोच के सहारे सरल करेगी की सोच